दोस्तों नमस्कार कैसे हैं सब लोग जिस दिन का इंतजार हम सबको था मुझे मेरी टीम को मेरे स्टूडेंट्स को यू कहूं उत्तरी भारत के हर बच्चे को जो नीट जे 2022 का प्लेयर है जिसको मैं कहता हूं नीट 2000 नीट और जे 2022 जिसको ठोकना है दोस्तों आपकी बायो केम डी नीट के बच्चों के लिए मैथ केम डी टी जे के बच्चों के लिए आज 10 मार्च को आप टेस्ट दे चुके हैं बायो के बच्चे टेस्ट दे चुके हैं बायोलॉजी का और मैथ के बच्चे टेस्ट दे चुके हैं मैथ, मैथ का।, का और इसका वीडियो सॉल्यूशन आप सी के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं थोड़ी सी बात आपसे कर लू आप मेरे साथ राहुल मिश्रा जी हैं जो पहले टेस्ट का सॉल्यूशन आपके लिए करवा रहे हैं इसी तरह से मेरे साथ हमारे मैथ के सर हैं जो मैथ के पहले टेस्ट का सोल्यूशन आपके साथ करवा रहे हैं देवेंद्र okay. अग्रवाल सर ऐसे हमारे केमिस्ट्री आई विंग के लिए बहुत ही हमारा डायनेमिक और यंग ओपी सारण आप आईटी टी विंग की केमिस्ट्री के पहले पेपर का सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं और हमारे बहुत एक सीनियर व्यक्ति बहुत धीर गंभीर सब्जेक्ट के बहुत एक्सपर्ट और एक रियल केयर टेकर टीचर हमारे अरोड़ा सर जो नीट के पहले के, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के पहले पार्ट का सोल्यूशन आप लोग करवाने जा रहे हैं तो ये मेरे चारों साथी पहले पहले टेस्ट का सोल्यूशन आपके साथ करवाएंगे थैंक यू मेरे दोस्तों तो मैं थोड़ा सा बता दू इस टेस्ट के बारे में उसके बाद अपने बात स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप सब जानते हैं 10 मार्च को टेस्ट स्टार्ट हुए हैं बारह अप्रैल तक तो टेस्ट चलेंगे 25 दिन टेस्ट होंगे बीच में कुछ ब्रेक है होली के भी संडे के कारण भी है डेली टेस्ट बायो का 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 आएगा 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 केमिस्ट्री केमिस्ट्री उधर मैथ पेपर दोनों आप देख लिया एक साथ प्रिंट होकर आएगा ओमार भी आपको देखा एक साथ मिली ऊपर बायो की नीचे केमिस्ट्री की ऊपर मैथ की केमिस्ट्री की उसकी रैंक बन जाएगी और पूरा का पूरा वीडियो सोल्यूशन आपको दिखाया जा रहा है और इस वीडियो सोल्यूशन के माध्यम से हमारा प्रयास नहीं हमारा पूर्ण विश्वास है कि हम उस पूरे टॉपी को मेरी भाषा में कहूं तो कवर कर देंगे नहीं मेरी भाषा में तो उस टॉपी को लपेट देंगे यानी यदि आप लोग और के के टेस्ट देने बाद कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन देख लेते हैं तो विश्वास दिला सकते हैं अरोड़ा सर अपने बच्चों को इसके बाहर आने की संभावना नहीं है यह खत्म हो जाएगा बारह अप्रैल को इसके बाद दोस्तों स्टार्ट होगा इको उसके पच्चीस टेस्ट होंगे जेई के लिए भी नीट के लिए भी उसके बाद दोस्तों हमारा स्टार्ट होगा डीसीएम डेली कम मेजर टेस्ट है सोमवार से शनिवार डेली टेस्ट और संडे को मेजर टेस्ट है उसके बाद जो भी डेट्स रहेंगी नीट और एडवांस की एडवांस की, की डेट आई उसके अकॉर्डिंग मेजर टेस्ट चलेंगे जिनको हम दंगल टेस्ट कहते हैं यानी दस मार्च से लेकर नीट जेई दो तक ऑलमोस्ट आप सो टेस्ट दे चुके होंगे ये हर साल हम लोग करते हैं तो जुड़े और एक बार फिर से कहना चाहता हूं एक सिक्स पैक का मैटर आपको दिया सीएलसी ने सिक्स पैक जेई का भी है ट का भी है प्लीज उसको कम से कम चार से पांच बार निकाल लो और नीट फुटबॉल बन जाएगी मेरे दोस्तों मैं एक बार फिर से आता हूं बोटनी का पेपर बायो का पेपर नोट बोटनी कहेंगे बोटनी। आज मेरे राहुल मिश्रा सर हैं जो बिल्कुल एक मजबूत प्लेयर हमारी टीम के तो पहला प्रश्न आप कराने जा रहे हैं सर प्ली पेपर निकाले भाई दूसरा पेन पकड़े ये हमारे मिश्रा जी से मूर्त करवा रहे हैं तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं बायोलॉजी का बिल्ली के संदर्भ में गलत को चुनिए तो तो इसका मतलब है है। है, मैच करना है। हाँ, बिल्कुल। तो कुल फैमिली फैमिली होती इस में नहीं है क्योंकि आपका पहला सॉल्यूशन हो गया हाँ। अब आप आगे कंटिन्यू सॉल्यूशन करेंगे अगले साथी को बुलाता हूं साइड केमिस्ट्री लेके आएंगे मेडिकल के लिए और अरोडा सर आए केमिस्ट्री की स्लाइड लेके आए और हमारे अरोडा सर आए दोस्तों ये हमारे अरोड़ा सर का ऑर्गेनिक का केमिस्ट्री तो नीट के लिए नीट में आपका है अच्छा वो नीट में आप करवा रहे हैं अच्छा नीट का पेपर फिजिकल का है और जेई का ऑर्गेनिक का है तो ये हमारे अभी कराया वीडियो में आपको ओपी सारण सर है आप बिल्कुल एक बहुत ही डायनेमिक और यंग स्टूडेंट और सेल्समैन रहे हैं आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो पहला क्वेश्चन क्या भाई आपका ए एल एफ थ्री के चार पॉइंट दो ग्राम एफ माइनस वन आइन की संख्या क्या होगी तो इसका सॉल्यूशन आप अपने हिसाब से बाद में कराएं और अच्छा सॉल्यूशन जिस भाव से उम्मीद से अपन लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं पूरा देश इसका इंतजार करता है पूरे देश के बच्चे इसको देखते हैं चलो इसका कर दो सॉल्यूशन तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट द नंबर ऑफ फ्लोराइड आई बेटा द नंबर ऑफ फ्लोराइड आई इन 4.2 ग्राम एएलएफ बच्चों देखो सबसे पहले इसके अंदर तुम क्या कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे यस yes.

तो 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 टोटल आपके तो आपके पास पास चार होंगी। लेकिन पूछ क्या रखा है सिर्फ फ्लोराइड फ्लोराइड और में कितने तीन है। तो आप किस से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू यस थैंक यू अब बच्चा दस मार्च को ये वीडियो कमेंट में हम 10 मार्च को आपने पेपर दिया बायो का दिया

प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज अपलोड हमने कर रखे हैं आप सबको दोस्तों का लेना चाहिए फायदा ओके थैंक यू नमस्कार लगे रहें बेस्ट ऑफ लक नीट 2022 जेई 2022 हमारा होना चाहिए हमारी पूरी टीम का प्रयास है आप बेस्ट करें आप हमारे साथ मिल जाएं एक फ्रीक्वेंसी पे काम करें रेजोनेंस करें दोस्तों 100% रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा थैंक यू गुड लक हेलो स्टूडेंट्स माय सेल्फ राहुल मिश्रा टीम बॉटनी सी सीकर आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे सीएलसी की नीट की तैयारी के लिए एक अनोखी श्रृंखला जो बायो कैम्प डी के रूप में है इसी क्रम में हम आज डिस्कस करेंगे बायो कैम्प दो का फर्स्ट पेपर का बॉटनी सब्जेक्ट ठीक है तो यहाँ हम सबसे पहले डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन से हम यहाँ डिस्कस करते हैं तो देखिए यहाँ पर सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू कैट यानी कि बिल्ली के संदर्भ में गलत मिलान को चुनिए अब यहाँ अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें फैमिली कैनिडी ये पहला ही ऑप्शन गलत है बिल्ली के रिस्पेक्ट में क्यों गलत है क्योंकि अगर हम कैनिस फैमिली कैनेडी की बात करें सॉरी फैमिली कैनेडी तो ये कैनिडी किसके लिए आती है डॉग के लिए आती है, है। जबकि यहां पूछा किसके लिए गया है कैट के लिए तो ये गलत है जबकि अगर हम कैट के लिए देखें जीनस फेलिस अप्लाई होता है बिल्कुल सही है क्योंकि अगर हम कैट के साइंटिफिक नेम की बात करें तो क्या होता है फेलिस डोमेस्टिकस तो आपने यहां देखा कि फेलिस डोमेस्टिकस में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसके जीनस को जब डोमेस्टिकस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है या इसके, इसके स्पीसीज को तो यहां डोमेस्टिकस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसके स्पीसीज इस को अब देखिए ये जो स्पीसीज इस है इसके इसके बाद अगर हम इसके फैमिली की बात करें तो ये जो फेलिस जीनस है इस फेलिस जीनस को किसमें इंक्लूड किया गया है फेलिडी में एनसीआरटी में आप क्लियर देखोगे वहां लिखा हुआ है फेलिडी और ये जो फेलिडी फैमिली है इसको आगे चलकर किस ऑर्डर में इंक्लूड किया गया है ऑर्डर कार्निवोरा किसमें इंक्लूड किया गया है Carnivora. तो देखिए कैट के रिस्पेक्ट में ये भी सही है और इस कार्निवोरा को आगे चलकर किस क्लास में इंक्लूड किया गया है क्लास मैमेलिया तो आपने देखा कैट के लिए जीनस बिल्कुल सही दे रखा है इसका ऑर्डर कार्निबोरा सही दे रखा है क्लास मेमेलिया सही दे रखा है केवल फैमिली गलत है तो ध्यान रखना बिल्ली के संदर्भ में ये जो कुल कैनिडी है ये गलत है क्योंकि उसका जो कुल होता है वो कौन सा होता है यहां पर फेलिडी कैनिडी नहीं होता बाकी ये बाकी नेक्स्ट ये सब सही दे रखे तो आंसर क्या हो गया फर्स्ट नेक्स्ट यहां हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट सही कथन को चुनिए। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ग्रोथ अकर्स बाई ओनली इंक्रीज इन मास यानी कि वृद्धि केवल भार में बढ़ोतरी द्वारा होती है ये गलत है क्योंकि अगर आप एनसीआर बेस बात करोगे तो एनसीआर में क्लियर बता रखा है कि ये जो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर दे आर द ट्विन कैरेक्टर दुई युग्मी लक्षण है किसी के किसी ऑर्गन की ग्रोथ के लिए तो यहां पर यह गलत है क्योंकि यहां दे दिया ओनली इंक्रीज इन मास सेकंड ऑप्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन ध्यान रखना एनसीईआरटी में क्लियर दे रखा है कि प्लांट्स में कंटिन्यूस ग्रोथ होती है थ्रू आउट देयर लाइफ बट एनिमल्स में ये ग्रोथ जो होती है एक लिमिटेड एज तक ही होती है तो इसीलिए ये ऑप्शन भी कैसा हो गया गलत तो ध्यान रखना जंतुओं में जो वृद्धि होगी वो जीवन पर्यंत नहीं होती इसीलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो गया गलत थर्ड स्टेटमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज एंड अकर्स बाय सेल डिवीजन ठीक है यहां पर अगर हम देखें लिविंग्स के ऑर्गनज के अंदर जो ग्रोथ होगी वो इंट्रिंसिक टाइप होती है और किसके थ्रू होती है सेल डिवीजन के थ्रू होती है ये बिल्कुल राइट है यहाँ पर सजीवों में जो वृद्धि है वो आंतरिक प्रकार की होती है और कोशिका विभाजन द्वारा होती है चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गनिज हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिज में जो ग्रोथ होगी वो किसके थ्रू होगी सेल डिवीजन के थ्रू हो होती है फोर्थ देखिए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो ग्रोथ बाय ऑफ मटेरियल टुवर्ड्स इनर साइड ये गलत है क्योंकि आप NCRT में क्लियर देखोगे दे रखा है कि अगर कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके एक्सटर्नल सरफेस पर मटेरियल के डिपोजिशन के कारण क्या होता है उसका मास इंक्रीज होता है यानी कि उसमें ग्रोथ होती है लेकिन यहां पर ऑप्शन में क्या दे रखा है इनर साइड तो ये रॉन्ग हो गया इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो कौन सा होगा थर्ड यानी कि थर्ड आंसर इसका आएगा नेक्स्ट यहां हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन तो देखिए यहां पर थर्ड इन यूनिसेल्यूलर एलगी बैक्टीरिया एंड अमीवा यानी कि एक कोशिकीय से जीवाणु तथा अमीवा में एक कोशिकीय सेवाल जीवाणु तथा अमीवा में पहला देखिए ऑप्शन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये रॉन्ग हो गया क्योंकि आप क्लियर एनसीआरटी में देखो क्लियर लिखा हुआ है कि एक कोशिकीय जो सहवाल जीवाणु या अमीवा एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें वृद्धि तथा जनन एक दूसरे से अलग घटनाएं नहीं होती म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होते लेकिन ये म्यूचुअली इनक्लूसिव इवेंट होते हैं तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा रॉन्ग सेकंड स्टेटमेंट रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ ये यूनिसेल्युलर ऑर्गनिस के लिए अगर हम देखें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों ही कैसे होते हैं एक दूसरे के सिनोनिमस होते हैं यानी कि जनन वृद्धि का पर्यायवाची होता है ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट दे रखा है फिर भी हम थर्ड और देखते हैं ग्रोथ बाय ओनली मियोसिस ये रॉन्ग है क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गनज केवल मियोसिस के थ्रू ग्रोथ होगी ये रॉन्ग है इसी तरह अगर हम देखें पेरेंट बॉडी पार्ट रिमेन आफ्टर सेल डिवीजन ये भी रॉन्ग है क्योंकि अगर आपको पता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़ जब क्या करेंगे डिवीज़न करते हैं तो डिवीजन के बाद टू न्यू सेल्स बनेंगी इन न्यू सेल्स जब बनती है तो बॉडी का हाफ पार्ट एक सेल में इंक्लूड होता है जबकि हाफ पार्ट दूसरे सेल में इंक्लूड हो जाता है कोई भी पार्ट बॉडी का पार्ट पेरेंट बॉडी का पार्ट रिमेन नहीं बचता इसीलिए तो अर्ध सूत्री विभाजन द्वारा होती है एक कोशी के जीवन में ये गलत है कोशी का विभाजन के बाद पैतृक काय का भाग शेष रहता है ये भी गलत है तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा सेकेंड नेक्स्ट यहां हम डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जनन सजीवों का परिभाषित लक्षण नहीं है क्यों तो ये हमें बताना है कि ये परिभाषित लक्षण क्यों नहीं है तो देखिए कोई भी परिभाषित लक्षण की अगर हम डेफिनेशन देखें यानी कि डिफाइनिंग कैरेक्टर तो डिफाइनिंग कैरेक्टर हम किसको बोलते हैं ऐसा कैरेक्टर जो ऑल लिविंग्स में प्रेजेंट हो ठीक है यानी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो और नॉन लिविंग्स में अब्सेंट हो ठीक है तो ऐसे कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर तो ध्यान रखना ऑल लिविंग्स में प्रेजेंट होना चाहिए नॉन लिविंग्स में वो अब्सेंट होना चाहिए अब यहां देखिए रिप्रोडक्शन को हमने डिफाइनिंग कैरेक्टर क्यों नहीं बोला सबसे पहला ऑप्शन देखिए प्रेजेंट इन ऑल लिविंग्स गलत है पहला ही ऑप्शन ये गलत हो गया क्योंकि अगर आप एनसीआरटी में देखोगे क्लियर बोल एनसीआरटी में लिखा हुआ है कि ये जो रिप्रोडक्शन है वो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज हैं जिनके अंदर क्या होता है रिप्रोडक्शन अब्सेंट है लाइक like जैसे एग्जांपल आ जाता है म्यूल वर्कर हनी बी जो इनफर्टाइल होती हैं और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स तो ये रॉन्ग हो गया सेकंड देखिए प्रेजेंट इन नॉन लिविंग्स ठीक है प्रेजेंट इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बट अपसेंट इन लिविंग्स ये भी गलत दे दिया कि लिविंग्स में अपसेंट है ठीक है अगर यहां हम देखें सजीवों में अनुपस्थित नहीं होता बल्कि सजीवों में कैसा होता है उपस्थित है कुछ एक एक्सेप्शन जो अभी मैंने एग्जाम्पल आपको बताया नेक्स्ट थर्ड अपसेंट इन नॉन लिविंग्स ठीक है नॉन लिविंग्स में अपसेंट है एंड ऑल लिविंग्स यानी कि ऑल लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों में ही क्या है अपसेंट है यह भी गलत है क्योंकि अभी मैंने बोला लिविंग्स में प्रेजेंट होता है नेक्स्ट देखिए इन इन नॉन बिल्कुल राइट right है बट नॉट ऑल लिविंग्स ये इसका करेक्ट आंसर आएगा तो ध्यान रखना जनन सजीवों का परिभाषित लक्षण क्यों नहीं है क्योंकि सभी सजीवों में उपस्थित होता है ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया निर्जीव वस्तुओं में उपस्थित है गलत हो गया निर्जीव वस्तुओं में उपस्थित लिख दिया गलत होता है क्योंकि उसमें नहीं होता निर्जीव वस्तुओं तथा सभी सजीवों में अनुपस्थित होता है ये रॉन्ग हो गया क्योंकि सभी सजीवों में नहीं है मैंने कुछ एक एग्जाम्पल अभी बताया और निर्जीवों में अनुपस्थित है लेकिन सभी सजीवों में उपस्थित नहीं है ये मोर एप्रोप्रिएट आंसर है सही आंसर है इसका तो कौन सा आ गया आंसर चार नेक्स्ट यहां हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन तो देखिए आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर फिलिंदा ब्लैंक्स दे रखा है थिंग एंड श्योरली रिएक्शन तो देखिए पात्रे में जो एका की उपापचयी क्रियाएं हैं वो होती हैं लेकिन ये निश्चित ही कैसी क्रियाएं हैं तो देखिए अगर आप एनसीआर क्लियर लिखा होगा कि ये इन विट्रो कैसी होती है नॉट लिविंग होती नॉट लिविंग थिंग यानी कि कोई भी लिविंग थिंग नहीं होती जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसको हम टेस्ट ट्यूब में कराते हैं तो ये दो ऑप्शन यहां गए अब आगे लिख रखा है बट श्योरली लिविंग रिएक्शन तो वो श्योरली कैसी होती है लिविंग रिएक्शंस होती है यानी कि लिविंग रिएक्शंस का यहाँ मींस है कि ऐसी रिएक्शंस जो किस में चलती हैं जो लिविंग्स में चलती हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है लिविंग की वो लिविंग की रिएक्शन है तो आंसर आएगा फोर ठीक तो है तो पात्र में एकाकी अभिक्रियाएं कैसी होती हैं जैविक नहीं होती लेकिन यह निश्चित ही किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं जीवित अभिक्रियाएं होती हैं क्योंकि जीवित शरीर के अंदर वो चलती हैं तो आंसर आएगा फोर नेक्स्ट क्वेश्चन द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कॉल्ड मेटाबोलिज्म ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ अगर हम देखें कि लिविंग ऑर्गेनज के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती है या केमिकल रिएक्शंस चलती है उनको तो हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस लेकिन नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं चलती तो ये कैसा हो गया स्टेटमेंट रॉन्ग तो ध्यान रखना जीवों के शरीर में जो क्रियाएं है, चलती हैं रासायनिक है क्रियाएं है, उनको तो हम उपापचयी क्रियाएं है कहते हैं लेकिन यहाँ निर्जीव वस्तु भी लिख रखी है तो ये रॉन्ग हो गया नेक्स्ट ऑल प्लांट्स एनिमल्स फंजाई एंड माइक्रोब्स शो मेटाबॉलिज्म ये बिल्कुल राइट है क्योंकि जितने भी प्लांट्स है एनिमल्स है फंजाई है एंड माइक्रोब्स है वो सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन शो करते हैं क्योंकि दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट देखिए क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला एलोंग विथ एंड अमीवा इनक्लूड इन किंगडम मोनेरा ये रॉन्ग स्टेटमेंट दे रखा है क्योंकि अगर हम देखें क्लोरेला, पैरामीशियम अमीवा ये सभी के सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेज हैं और किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड है लेकिन यहाँ क्या बोला बोला है मोनेरा तो ये कैसा हो गया रॉन्ग हो गया तो ध्यान रखना क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला पैरामीशियम और अमीबा ये सभी जगत मोनेरा में सम्मिलित नहीं है तो इस हिसाब से अगर हम देखें हमारा आंसर क्या जाएगा बी राइट right है और ए और सी रॉन्ग है यानी कि आंसर आएगा थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन द मोस्ट ऑबियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लीकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज यानी कि सभी जीवों का सबसे स्पष्ट तथा पैंचीदा अभिलक्षण क्या है क्लियर एनसीआर टी बेस्ड लाइन है आप जब पढ़ेंगे तो उसमें कॉन्सियसनेस या जो चेतना वाला टॉपिक है ठीक है उसमें क्लियर दे रखा है तो यहां पर अगर हम देखें रिप्रोडक्शन गलत है ग्रोथ गलत है एक्सट्रेंसिक ग्रोथ जो कि लिविंग में नहीं होती तो आंसर क्या आ गया सेंस एनवायरमेंटल सिग्नल एंड रिस्पॉन्ड यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं कॉन्सियसनेस या चेतना तो ध्यान रखना सभी सजीवों का सुस्पष्ट लक्षण क्या होता है पर्यावरणीय उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता और उनको उनके प्रति प्रतिक्रिया करना तो आंसर क्या आ गया हमारा फोर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एट नंबर एनवायरमेंटल स्टिमुलाई कुड बी एनवायरमेंटल स्टिमुलाई क्या हो सकते हैं पर्यावरणीय उद्दीपन हो सकते हैं अब देखिए ये जो एनवायरमेंटल स्टिमुलस है कुछ भी हो सकता है फिजिकल भी हो सकता है केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है तो आंसर आ जाएगा क्या मोर देन वन करेक्ट जब आप एनसीईआरटी देखोगे क्लियर लिख रखा है अगर हम फिजिकल में बात करें तो यहां पर फिजिकल जो एनवायरमेंटल वो क्या हो सकता है लाइक like जैसे टेम्परेचर हो सकता है लाइट हो सकता है तो ये किस में आ जाएंगे फिजिकल में आ जाते हैं लाइक like जैसे बायोलॉजिकल में कोई अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होता है इसी तरह अगर हम केमिकल की बात करें तो केमिकल में आ जाता है यहाँ पर कोई टॉक्सिक सबस्टेंस हो गया या फिर इसमें हम कह सकते हैं कि पॉल्यूटेंट जो केमिकल पॉल्यूटेंट है वो इंक्लूड हो सकते हैं तो ध्यान रखना इसीलिए अगर हम देखें पर्यावरणीय उद्दीपन कौन कौन से हो सकते हैं भौतिक हो सकते हैं जैविक रासायनिक यानी कि हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो है फोर मोर देन वन करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ नंबर अब देखिए ऑल लिविंग फिनोमिनाल लिविंग फिनोमिना अकर्स ड्यू टू सभी जीव घटनाएं किसके कारण होती हैं तो यहां जब आप एनसीआर देखोगे क्लियर लिख रखा है ड्यू टू अंडरलाइंग इंट्रक्शन यानी कि एक लिविंग के अंदर डिफरेंट टाइप के इंट्रक्शन चलते हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर तो ये जो इंटरक्शन है इसी के कारण क्या होते हैं एमरजेंट प्रॉपर्टीज का डेवलपमेंट होता है और ये जो लो लेवल होगा वहां पर इंट्रक्शन होगा तो उसकी वजह से हायर लेवल पर एमरजेंट प्रॉपर्टीज का डेवलपमेंट होता है ठीक है तो यहां पर देखिए किसके कारण होता है इंट्रक्शन के कारण और हायर लेवल पर किसका डेवलपमेंट होगा एमरजेंट प्रॉपर्टीज का तो आंसर आएगा इसका नाइन्थ का थर्ड तो सभी जीव घटनाएं किसके कारण हो रही है पारस्परिक क्रिया के कारण होती हैं और इसके कारण उच्च स्तर पर जो उद्गामी गुणधर्म है उसका निर्माण होता है या गुणधर्म बनते हैं तो आंसर आएगा थर्ड नेक्स्ट टेंथ नंबर क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सजीव होते हैं तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे वहां पर क्लियर एनसीआर में डेफिनेशन दे रखी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लीकेटिंग इवॉल्विंग सेल्फ रेगुलेटिंग इंट्रक्टिव सिस्टम ठीक है कैसा सेल्फ रेप्लीकेटिंग इवॉल्विंग सेल्फ रेगुलेटिंग एंड इंट्रक्टिव सिस्टम तो अब देखिए यहां पर क्या लिख रखा है ओनली सेल्फ रेप्लीकेटिंग बट नॉट इवॉल्विंग ये क्या कर दिया रॉन्ग कर दिया ठीक है नॉट इवॉल्विंग नहीं बल्कि इवॉल्विंग होता है तो ध्यान रखना केवल स्व ये गलत कर दिया नॉट सेल्फ रेप्लीकेटिंग बट इवॉल्विंग अब यहां सेल्फ रेप्लीकेटिंग को रॉन्ग कर दिया तो ये ऑप्शन भी कैसा हो जाता है हमारा गलत स्व प्रतिकृति नहीं लेकिन विकासशील नेक्स्ट सेल्फ रेप्लीकेटिंग इवॉल्विंग बट नॉन इंटरक्टिव सिस्टम अब यहां इसको रॉन्ग कर दिया तो यह भी गलत हो गया तो ध्यान रखना पारस्परिक है लेकिन यहां नॉट नहीं बता रखा है इसको तो सेल्फ रेप्लीकेटिंग इवॉल्विंग सेल्फ रेगुलेटिंग इंट्रक्टिव सिस्टम तो ये सही है आंसर स्व प्रतिकृति विकासशील स्वनियमनकारी तथा पारस्परिक क्रियाशील तंत्र होता है डिफरेंट इंट्रक्शन इसमें फॉर्म होते हैं आंसर आएगा फोर नेक्स्ट इलेवन नंबर बाई इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन अराउंड अस विच वुड बी इंक्रीज अपने चारों तरफ जब हम अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है अब देखिए जब हम बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं तो हम अपने चारों तरफ जब एरिया को बढ़ाते हैं ऑब्जर्वेशन के एरिया को तो इस केस में जो ऑर्गेनिज है उनका नंबर इंक्रीज होगा उनमें डाइवर्सिटी यानी कि उनकी वैरायटी भी क्या होगी इंक्रीज होती है तो यहां पर देखिए क्या आंसर आएगा साइज एंड शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म ये कोई जरूरी नहीं है रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज क्लियर एनसीआरटी ने दे रखा है कि रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म तो क्या आ जाएगा अवलोकन का क्षेत्र बढ़ाने पर जीवों का परास और उनकी किस्म क्या हो जाती है इनक्रीज हो जाती है ठीक है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी से कोई जरूर, इसका लेना देना नहीं है यह जरूरी नहीं कि साइज बढ़े ही और सिंप्लिसिटी एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सिंप्लिसिटी से कोई मतलब नहीं यहां पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हो सकता था तो आंसर क्या आएगा हमारा सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यहां डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नंबर ऑफ टीसीज आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंजेस बिटवीन यानी कि अब तक की ज्ञात एवं वर्णित जातियों की संख्या का जो रेंज है परास है वो कितना है तो क्लियर एनसीआर में दे रखा है अगर देखें तो वन पॉइंट सेवन टू 1.8 मिलियन यानी कि आंसर क्या आएगा फोर्थ ठीक है क्लियर एनसीआरटी वे आंसर है आंसर फोर नेक्स्ट यहां हम डिस्कस करेंगे थर्टीन नंबर का क्वेश्चन बायोडायवर्सिटी रेफर्स एज बायोडायवर्सिटी किस टाइप किसको हम बोलते हैं तो देखिए जैव विविधता संदर्भित करता है किसको ओनली साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म रॉन्ग हो गया क्योंकि साइज एंड नंबर ठीक है टाइप्स यहां साइज उसके साइज को नहीं बल्कि उसके नंबर एंड टाइप्स को रिप्रेजेंट करता है तो यहां पर साइज रॉन्ग है ओनली साइज एंड शेप ये भी रॉन्ग है नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज ये करेक्ट आंसर है ओनली नंबर ऑफ ऑर्गेनिज रॉन्ग है तो ध्यान रखना किसी अर्थ पर नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज का जो प्रेजेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी तो ध्यान रखना केवल जीवों के माप को नहीं बोलते जीवों के माप तथा आकार को भी नहीं कहते हम बायोडाइवर्सिटी तो एनसीईआरटी में क्लियर दे रखा है जीवों की संख्या तथा उनके प्रकार को तो आंसर क्या आ जाएगा आंसर थर्ड ठीक है आंसर क्या आएगा थर्ड नेक्स्ट यहां हम देखते हैं फोर्टीन नंबर अब देखिए इसमें बोला गया है फेलिडी एंड कैनिडी बोथ आर फेलिडी और कैनिडी दोनों क्या है तो देखिए प्लेस इन सेम फैमिली म्यूसीडी ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्यों क्योंकि यहाँ पर फेलिडी और कैनिडी खुद एक फैमिली है तो ये फैमिली फैमिली में कैसे इंक्लूड होंगी तो ये रॉन्ग है दूसरी बात फेलिडी में आता है कैट कैनिडी में आता है डॉग और म्यूसीडी फैमिली में यहाँ पर क्या आएगा मस्का डोमेस्टिका यानी कि अगर हम देखें हाउस फ्लाई या घरेलू मक्खी तो ध्यान रखना ये खुद एक कुल है तो म्यूसीडी में इनको नहीं रखा गया फेलिडी एंड कैनिडी प्लेस्ड इन सेम जीनस पैंथेरा अब फैमिली जीनस में नहीं रखी जाती क्योंकि फैमिली हायर कैटेगरी है उच्च वर्ग है तो इस केस में यहां पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट दे रखा है जीनस फैमिली में आ सकता है लेकिन फैमिली जीनस में नहीं आती तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया रॉन्ग इंक्लूड इन सेम क्लास कॉर्डेटा ठीक है यहां पर अगर हम देखें ये कॉर्डेटा में इंक्लूड होते हैं लेकिन सबसे पहली बात कॉर्डेटा यहां पर क्लास बता रखी है ठीक है तो यहां पर अगर हम देखें कॉर्डेटा क्लास नहीं होती बल्कि अगर हम इसमें देखें आंसर कौन सा जाएगा इसका करेक्ट ऑर्डर कार्निवोरा आंसर क्या जाएगा करेक्ट फोर ठीक है तो ये समान वर्ग कॉर डेटा में सम्मिलित नहीं है जबकि यहां पर अगर हम देखें क्योंकि यहां पर कॉर्डेटा वर्ग नहीं है ध्यान रखना बल्कि क्या होता है कॉर्डेटा फाइलम होता है और इन, एनिमल्स के लिए लेकिन क्या बता रखा है यहां पर क्लास तो यह गलत हो गया आंसर आएगा फोर ऑर्डर कार्निबोरा नेक्स्ट फिफ्टीन नंबर अब देखिए चूज करेक्ट स्टेटमेंट सही कथन चुनिए तो प्लांट फैमिलीज लाइक कन्वोल्यूलेसी एंड सोलिनेसी आर इंक्लूड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स बेस्ड ऑन ओनली वेजिटेटिव कैरेक्टर ये गलत दे दिया क्योंकि जब आप एनसीआरटी पढ़ेंगे तो एनसीआरटी में क्लियर लिख रखा है ऑन द बेसिस ऑफ मेनली फ्लोरल कैरेक्टर्स लेकिन यहां क्या लिख दिया ओनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो ये गलत हो गया तो ध्यान रखना यहां पर केवल ये जो काय लक्षण लिख दिए इसके कारण ये स्टेटमेंट गलत हो गया नेक्स्ट देखिए फैमिली हैज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विच हैज लेस कॉमन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू ऑर्डर एंड क्लास अब देखिए ये रॉन्ग हो गया क्योंकि लेस कॉमन कैरेक्टर नहीं होते अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली कैसा हो गया लोअर कैटेगरी है फैमिली से आगे अगर हम देखें क्या आता है ऑर्डर आता है और ऑर्डर से आगे क्या आता है क्लास तो जितना कैटेगरी लोअर होती है उसमें सिमिलैरिटी या कॉमन कैरेक्टर उतने ज्यादा होते हैं लेकिन यहाँ क्या बोल रखा है कि फैमिली में ऑर्डर और क्लास के कंपेयर में लेस कॉमन कैरेक्टर होंगे तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट यहां दे रखा है तो ध्यान रखना कुल संबंधित वंशों का समूह है जिसमें गण और वर्ग की तुलना में सम कम समान लक्षण होते हैं गलत हो गया क्योंकि गण और वर्ग की तुलना में फैमिली में ज्यादा लक्षण समान होते हैं जीनस फेलिस इंक्लूड डॉग यह गलत है क्योंकि ये जो डॉग है वो फेलिस जीनस में नहीं आता बल्कि किस में आता है उसका जीनस है कैनिस लियोपार्ड एंड कैट इंक्लूड इन सेम फैमिली फेलिडी बिल्कुल सही है लियोपार्ड को अगर हम देखें यह किस फैमिली में आता है फेलिडी में ठीक है और इसका अगर हम जीनस की बात करें तो लियो का जीनस क्या है पेंथेरा और कैट का जीनस क्या होता है कैट का जीनस है फेलिस तो क्लियर एनसीआरटी ने लिख रखा है कि पैंथेरा एंड फेलिस जो जीनस है उनको एक ही फैमिली या एक ही कुल फेलिडी में रखा गया है तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है फोर्थ नंबर तो ध्यान रखना वंश फैलिस में कुत्ता सम्मिलित नहीं होता क्योंकि वो किस में आता है कैनिस में तेंदुआ और बिल्ली समान कुल फेलिडी में रखे जाते हैं बिल्कुल सही है आंसर फोर नेक्स्ट यहां आता है सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन बाइनोमियल नेम ऑफ मैंगो इज मैंजी फेरा इंडिका लिन वेयर लिन रिप्रेजेंट ठीक है तो यहां पर अगर हम देखें ये जो मैंजीफेरा इंडिका ये इसका साइंटिफिक नेम है अब यहाँ पर ये जो लिन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है तो ध्यान रखना जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे क्लियर लिख रखा है वहां पर कि ये लिन का मीन्स होता है लीनियस यानी कि इस स्पीशीज को सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया था वो थे साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियस और ये लीनियस ऑथर को शो कर रहा है यानी कि जिसने सबसे पहले इस स्पीसीज को डिस्क्राइब किया दे आर डिस्क्राइब फर्स्ट टाइम्स तो आप देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट नेम ऑफ फार्मर गलत है विच हु ग्रोन मैंगो किसान का नाम जिसने आम को पहली बार देखा गलत है ठीक है दूसरा अगर हम देखें नेम ऑफ साइंटिस्ट हु फर्स्ट सीन मैंगो जिसने पृथ्वी पर सबसे पहले मैंगो को देखा गलत है लीनियस हु फर्स्ट डिस्क्राइब मैंगो ये आंसर बिल्कुल राइट right जाएगा क्योंकि मैंने क्या बोला कि ये ऑथर का नाम है जिसने फर्स्ट टाइम इस स्पीसीज को डिस्क्राइब किया या मैंगो को डिस्क्राइब किया लीनियस हु डेवलप मैंगो प्लांट गलत है तो आंसर आएगा हमारा इसका थर्ड तो ध्यान रखना लीनियस को जिन्होंने आम को पहली बार वर्णित किया तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियस को जिसने आम को पहली बार वर्णित किया नेक्स्ट क्वेश्चन सेवनटीन नंबर तो देखिए यहां पर क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाई विच वर्गीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा देखिए वर्गीकरण जब आप एनसीआर तो क्लियर लिख रखा है वर्गीकरण हम, हम जब उसको डिवाइड करते हैं ग्रुप्ड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन तो आंसर क्या आएगा फर्स्ट एनीथिंग इज ग्रुप्ड इन टू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ठीक है तो किसी को भी कुछ आसानी से दृश्य लक्षणों के आधार पर सुविधाजनक वर्गों में विभाजित किया जाता है दूसरे ऑप्शन में आप देखिए लिख रखा है ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म रॉन्ग हो गया मैंने क्या बोला किसी को भी अगर हमारे पास बुकों का ढेर है हमें उसको भी क्लासिफाई करना है तो हम कुछ कैरेक्टर्स के बेस पर उसको क्या कर सकते हैं क्लासिफाई कर सकते हैं ओनली नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये भी रॉन्ग है क्योंकि हम लिविंग को भी क्लासीफाई करते हैं ओनली लिविंग ऑर्गेज आर ग्रुप्ड रॉन्ग है क्योंकि ओनली लग रखा है तो ये गलत है तो केवल सजीवों को केवल निर्जीवों को और केवल सजीवों को इसके कारण ये कैसे हो गए स्टेटमेंट रॉन्ग आंसर आएगा फर्स्ट नेक्स्ट यहां हम बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन तो देखिए अल इज अ ब्रीड ऑफ अल्सेशियन एक नस्ल है आप जब एनसीआर पढ़ोगे तो उस एन में दे रखा है एक टर्म तो ध्यान रखना ये अल्सेशियन किसकी ब्रीड होती है डॉग की ब्रीड है यानी कि कुत्ते की नस्ल होती है आंसर आएगा थर्ड नेक्स्ट नाइनटीन नंबर आई सी बी एन स्टैंड फॉर यानी कि आई सी बी एन किसको शो करता है दर्शाता है तो देखिए जब आप एन टी में देखें तो वहां पर क्लासिफिकेशन के बारे में बता रखा है तो यहाँ पर एक टर्म आता है नॉम क्लेचर में आई सी बी एन यानी कि नॉम क्लेचर के लिए जो रूल्स दे रखे हैं उस रूल्स में जब हमें किसी प्लांट्स या बॉटनी से रिलेटेड कोई नोम करना होता है तो उसके जो रूल्स हैं वो आई में दे रखे हैं आई का फुल फॉर्म क्या होता है इंटरनेशनल कोड फॉर ये रॉन्ग हो गया बायोलॉजिकल नहीं है बॉटनिकल नोमिन होता है तो आंसर आएगा इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमिन आंसर फॉर प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट यहां बाई नॉमियल नॉमेन क्लेचर यानी कि दुई पद नाम जो पद्धति है नॉमेन क्लेचर की उसके बारे में हमें करेक्ट आंसर देखना है गिवन बाय जॉर्ज बेंथम रॉन्ग है क्योंकि इसको किसने दिया था इट इज गिवन बाय कैरोलस लीनियस लेकिन यहां क्या बोल रखा है जॉर्ज बेंथम तो ध्यान रखना लीनियस ने ये पद्धति दी थी। है। है इसका नाम ही यानी कि इसमें नेम में कितने शब्द होते हैं दो वर्ड होते हैं एक जीनस को रिप्रेजेंट करता है जबकि दूसरा वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीसीस को नेक्स्ट देखिए यूज टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम ये करेक्ट है इसका जो यूज हम करते हैं वो किसी और को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने में करते हैं ये बिल्कुल सही है इसका उपयोग वैज्ञानिक नाम प्रदान करने में किया जाता है इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ये रॉन्ग है क्योंकि ये सर्वमान्य पद्धति है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है तो आंसर क्या आएगा इसका थर्ड नेक्स्ट ट्वेंटी वन वायरस विरोड्स एंड प्रियॉन्स आर नॉट क्लासिफाइड इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बिकॉज विषाणु विरोय तथा प्रियोन को पांच जगत वर्गीकरण में क्यों विभाजित नहीं किया गया तो देखिए यहां अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन दे आर सेल्यूलर ये रॉन्ग हो गया क्योंकि वायरस वीरियॉइड्स और प्रियोन में सेल प्रेजेंट नहीं है इसीलिए ये सेलुलर की कैटेगरी में नहीं आते तो ये कोशिकीय है हैं गलत हो गया और वास्तविक ट्रू लिविंग भी लगा रखा है तो ये भी रॉन्ग हो गया दे आर ए सेलुलर ठीक है एंड ट्रू लिविंग रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी ऑर्गेनिज लिविंग है तो उसमें सेल जरूर होती है लेकिन यहाँ पर क्या लिख रखा है ए सेलुलर और ट्रू लिविंग बता रखा है रॉन्ग है दे आर नॉन सेल्यूलर एंड आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रू लिविंग ठीक है ये बिल्कुल राइट आंसर है क्यों क्योंकि ये जो वायरस विरियोड्स एंड पीओंस हैं वो कैसे होते हैं नॉन सेल्यूलर हैं इनमें सेल्स नहीं होती और इनको Living भी नहीं माना जाता इसीलिए इनको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में किसी भी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया गया तो ध्यान रखना ये अकोशिकीय है तथा सत्य जीव नहीं है इसीलिए इनको किसमें वायर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता तो इसका करेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा थर्ड जबकि फोर्थ में देखिए क्या लग रहा रखा है ये की है ठीक है लेकिन कोशिका द्रव रखते हैं वायरस में कहीं भी साइटोप्लाज्म नहीं होता तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा आएगा थर्ड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वायरस आर वायरस क्या है तो देखिए विषाणु क्या होते हैं अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट विषाणु क्या होते हैं ये अविकल्पी परजीवी होते हैं तो यहां पर देखिए अविकल्पी परजीवी हमें किस किस ऑप्शन में दे रखा है यहां पर दो फर्स्ट एंड सेकंड में सेकंड देखिए डब्ल्यू एम स्टेनलेस शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज तो इन दोनों में से अगर हम देखें जो क्रिस्टलाइज टर्म दे रखा है वो इसमें दे रखा है एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट ऑफ लार्जली प्रोटीन ये एनसीईआरटी की ही लाइन है तो यहां पर अगर हम देखें हमारा जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा तो सेकंड ठीक है तो ध्यान रखना विषाणु कैसे हैं अविकल्पी परजीवी होते हैं और डब्ल्यू एम ने दर्शाया था कि, कि विषाणुओं को क्या किया जा सकता है क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है और जो क्रिस्टल बनते हैं उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है तो आंसर क्या आएगा हमारा है हम करते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक विषाणु के लिए गलत है ध्यान रखना इनकरेक्ट देखना है वायरस कैन पास बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर यह बिल्कुल राइट है क्योंकि ये जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर को पार कर सकते हैं यानी कि विषाणु जीवाणु अवैध फिल्टर को पार कर सकते हैं दूसरा यहाँ देखें वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया तो वायरस कैसे होते हैं वायरस बैक्टीरिया के कंपेयर में स्मॉलर होते हैं बिल्कुल राइट दे रखा है ये और यहां अगर हम देखें विषाणु जीवाणु से छोटे होते हैं ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है थर्ड देखिए वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल ये भी राइट है क्योंकि वायरस किसके बने होते हैं प्रोटीन पार्टिकल है ये प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल के बने होते हैं तो ये बिल्कुल राइट दे रखा है विषाणु प्रोटीन तथा आनुवांशिक पदार्थ के बने होते हैं नेक्स्ट यहां देखें ड्यूरिंग वायरल इंफेक्शन होस्ट टेक ओवर रेप्लीकेटिंग मशीनरी ऑफ वायरस ये रॉन्ग दे रखा है यानी कि इसका कहना है कि वायरल इन्फेक्शन जब होगा तो वो होस्ट वायरस की रेप्लीकेटिंग मशीनरी को क्या करता है टेक ओवर करता है लेकिन ऐसा नहीं होता बल्कि वायरस होस्ट की रेप्लीकेटिंग मशीनरी को क्या करता है टेक ओवर करता है तो ध्यान रखना विषाणु संक्रमण के दौरान पोसी विषाणु की प्रतिकृति मशीनरी का अधिग्रहण करता है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है तो हमारा जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा फोर ठीक है आंसर कौन सा होगा फोर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फोर अब देखिए न्यूक्लिक एसिड ऑफ का न्यूक्लिक अम्ल होता है न्यूक्लिक ये जो विरियोइड्स है इसमें न्यूक्लिक अम्ल की अगर हम बात करें या न्यूक्लिक एसिड की क्या होता है फ्री आर एन ए प्रेजेंट होता है एनसीईआरटी में क्लियर दे रखा है अब यहां देखिए कंटेन थाइमीन आपको पता है आर में अगर हम नाइट्रोजिनस बेस देखें तो कौन कौन से आते हैं एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल थाइमीन इसमें नहीं होता क्योंकि वो डीएनए में प्रेजेंट होगा तो ये रॉन्ग हो गया नेक्स्ट देखिए है लो मॉलिकुलर वेट बिल्कुल इस न्यूक्लिक एसिड जो फ्री आर एन ए के फॉर्म में होता है उसका मोलिकुलर वेट कैसा होता है लो होता है ये करेक्ट आंसर है तो ध्यान रखना विरोइड्स का न्यूक्लिक अम्ल नहीं रखता लेकिन ये गलत हो गया निम्न अणुभार रखता है ये करेक्ट है नेक्स्ट देखिए थर्ड इज आर एन ए फ्री आर एन ए विच इज अटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन गलत है मैंने बोला फ्री आर एन ए है और फ्री आर एन ए इसका मतलब ये कहीं भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें प्रजेंट ही नहीं होती तो उससे अटैच भी नहीं रहता ये रॉन्ग है हैव वेरी हाई गलत है रॉन्ग होता है तो ध्यान रखना आ रहे प्लाज्मा झिल्ली से कहीं जुड़ा नहीं रहता और ये अधिक अणुभार भी नहीं रखता लो मोलिकुलर वेट होता है आंसर आएगा सेकेंड नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन अब देखिए प्रियॉन्स यानी कि प्रियोन के बारे में पूछा है आर एब नॉर्मली फोल्डेड डी एन ए ये रॉन्ग है क्योंकि क्लियर अगर हम प्रियन की बात करें ये केवल किसका बना होता है प्रोटीन का बना होता है और इसमें जेनेटिक मटेरियल भी नहीं होता तो ध्यान रखना है असमान्य रूप से मुड़ा हुआ डीएनए नहीं होता बल्कि क्या होता है प्रोटीन का बना तो देखिए एब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन ये करेक्ट आंसर है ये असामान्य रूप से मुड़ी हुई प्रोटीन का बना होता है आंसर सेकेंड आर सिमिलर इन साइज कंपेयर टू वीरोइड्स ये भी रॉन्ग है क्योंकि वीरोइड्स का जो साइज होता है वो इस प्रियोन के कंपेयर में बहुत छोटा रहता है जबकि यहाँ क्या बोला है कि ये वीरोइड्स के कंपेयर में साइज कैसा होता है सिमिलर रॉन्ग हो गया कॉज क्रोड्स फेल्ड डिसीज इन काउ ठीक है तो ये रॉन्ग है क्योंकि यहां पर ये क्रोड्स फेल्ड डिसीज किस में कॉज करता है उू में ना कर यूमन में करता है यानी कि यह गाय में क्रूज फेल जेकअ डिसीज नहीं करता बल्कि किस में करता है मनुष्यों में ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सेकंड नेक्स्ट ट्वेंटी सिक्स ये आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा है हाउ मेनी एवर फीचर्स आर रिलेटेड विथ विरोइड्स विरोइड्स के लिए कितने गुण यहाँ पर संबंधित हैं तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें टीओ डाइनर बिल्कुल राइट है इसने डिस्कवर्ड किया था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज ये भी राइट है फ्री आर एन ए ये भी राइट है प्रोटीन कोट प्रेजेंट ये रॉन्ग है लार्जर देन वायरस ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये वायरस के कंपेयर में कैसा होता है स्मॉलर होता है तो ध्यान रखना विरोड्स के संदर्भ में टीओाइनर जिसने खोज की आलू का तरकुकंद रोग इसमें आता है और मुक्त आरएने आता है प्रोटीन आवरण इसमें अनुपस्थित होता है विषाणु की तुलना में ये छोटा होता है तो करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड क्योंकि तीन स्टेटमेंट है जो विरोय के लिए सही हैं आंसर आ गया थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन तो देखिए वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन बिल्कुल राइट है क्योंकि वायरस किसका बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन, प्रोटीन ये राइट स्टेटमेंट है दूसरा ईच वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए यानी कि प्रत्येक विषाणु डीएनए और आरएनए दोनों रखता है ये गलत है या तो डीएनए होगा या फिर होता है, दोनों एक साथ कभी नहीं होते जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल मटेरियल इज ये राइट है, इसका कैसा होता है संक्रमणकारी होता है क्योंकि जब ये किसी होस्ट को इंफेक्टेड करता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल उस होस्ट में ट्रांसफर करता है लीफ रोलिंग करलिंग येलोइंग वेन क्लियरिंग सिम्टम्स ऑफ वायरस वायरल इंफेक्शन इन एल्गी रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि सबसे पहली बात अगर हम देखें लीफ जो लीफ है वो एलगी में नहीं होती तो इस केस में दूसरा वायरस इंफेक्शन भी इसमें नहीं होता ये सब तो इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है यहां पर क्योंकि ये हायर प्लांट्स के केस में सही है तो इसमें अगर हम आंसर देखें क्या आएगा ट्वेंटी सेवन का ए एंड सी आर राइट स्टेटमेंट तो आंसर आ गया सेकंड ठीक है तो ध्यान रखना ये पत्तियों का मुड़ना कुंचन पीला होना सिरा स्पष्टता ये सेवालों के लक्षण नहीं है यानी कि सेवालों में विषाणु संक्रमण के लक्षण नहीं है तो आंसर आ गया सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी एट तो देखिए प्लांट वायरस एंड बैक्टीरियल वायरस कंटेन ध्यान रखना है यहां पूछा क्या गया है प्लांट वायरस और बैक्टीरियस बैक्टीरियल जो वायरस हैं बैक्टीरियल वायरस को नॉर्मली हम बोल सकते हैं बैक्टीरियो फेज यहां पर इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है तो आप एनसीईआरटी में क्लियर देखेंगे प्लांट वायरस के लिए बता रखा है कि प्लांट वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है तो इस केस में हमारा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन गलत हो गया ठीक है अब देखिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बैक्टीरियल वायरस की तो बैक्टीरियल वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो आंसर क्या आ गया हमारा फोर्थ ध्यान रखना यूजुअली पूछा है तो नॉर्मली अगर हम देखें बैक्टीरियल वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है ना कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए तो यहां पादप विषाणु में क्या होगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा तो फर्स्ट और थर्ड गया इसी तरह बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियो जीवाणु भोजी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सामान्यतः क्या पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसीलिए आंसर क्या आएगा हमारा फोर्थ नेक्स्ट ट्वेंटी नाइन नंबर विच वन इज नॉट अ वायरल डिसीज यानी कि विषाणु रोग नहीं है अगर हम यहाँ देखें मम्स वायरस के थ्रू होता है स्मॉल पॉक्स वायरस के थ्रू हरपीज वायरस के थ्रू लेकिन कोलेरा या जो हैजा है वो वायरस के थ्रू ना होकर किसके थ्रू होता है बैक्टीरियल डिसीज है या बैक्टीरिया के थ्रू होता है तो ये आंसर क्योंकि नॉट पूछा है तो हमारा आंसर क्या जाएगा थर्ड ये एक वायरल डिसीज ना होकर कैसी है बैक्टीरियल डिसीज ठीक है तो ध्यान रखना है थर्टी नंबर क्वेश्चन विच वन इज रॉन्ग फॉर वायरल कैप्सिड निम्न में से कौन एक विषाणु कैप्सिड के लिए असत्य है तो अब देखिए इट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर बिल्कुल सही है यहां पर वायरस के लिए क्योंकि वायरस का जो कैप्सिड होगा वो कैप्सिड या प्रोटीन कोट किसका बना होता बना होता होता है? है। स्मॉल यूनिट यूनिट का इस को हम क्या बोलते हैं कैप्सोमियर और कैप्सोमियर को हिंदी में हम बोलते हैं कांसक। ठीक है तो ये इसके लिए सही है लेकिन हमें गलत देखना है दूसरा देखिए इट प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस बिल्कुल राइट है क्योंकि ये जो बाहर की तरफ प्रोटीन कोट होता है या ये जो कैप्सिड है वो क्या करता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है विषाणु का या वायरस का जेनेटिक मटेरियल वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है नेक्स्ट देखिए इन टीएमबी कैप्सिड प्रोटेक्ट डबल स्टैंडर्ड डीएनए यानी कि टीएमबी में कैप्सिड डबल स्टैंडर्ड डीएनए की सुरक्षा करता है ये गलत स्टेटमेंट है क्यों क्योंकि टी में डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होता बल्कि क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है क्लियर एनसीआर में फिगर में भी दे रखा है सिंगल स्टैंडर्ड आर होता है तो पूछा भी पूछ तो हमारा आंसर क्या जाएगा थर्ड ये रॉन्ग स्टेटमेंट है जबकि लास्ट भी अगर हम देखें सब यूनिट्स एंड कैप्सिड अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म ये राइट right है तो आंसर क्या गया हमारा फोर्थ सॉरी थर्ड ठीक है

अरस्तु ने सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर आंसर आएगा सेकंड नेक्स्ट इन थ्री डोमेन सिस्टम ध्यान रखना किसकी बात कर रखे थ्री डोमेन सिस्टम किंगडम मोनेरा एंड ऑल यूकैरियोटिक किंगडम्स ऑफ आर एच विटेकर क्लासिफिकेशन आर प्लेस्ड इन तो अगर हम थ्री डोमेन सिस्टम की बात करें तो ये जो थ्री डोमेन सिस्टम है इसमें क्या किया गया था जो आर एच विटेकर का मोनेरा किंगडम था उस मोनेरा किंगडम को दो डोमेन में क्लासिफाई किया था एक था आर्किया एक था आर्किया और दूसरा था यहां पर यू बैक्टीरिया और जो थर्ड डोमेन उन्होंने बनाया था उस थर्ड डोमेन था यू कैरिया थर्ड डोमेन क्या था यू कैरिया इस यू कैरिया के अंदर जितने भी यू कैरियोटिक किंगडम के आर एच विटेकर के जिसमें अगर हम देखें कौन कौन इंक्लूड हो गए प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एंड एनिमेलिया इन सभी यूकैरियोटिक किंगडम को थर्ड डोमेन में रख दिया था वो क्या नाम था यू तो अब देखिए इन्होंने पूछा है किंगडम मोनेरा को कितने डोमेन में क्लासिफाई किया था आर एच विटेकर के किंगडम मोनेरा को तो कितने डोमेन हो गए दो तो देखिए फर्स्ट पे कहाँ है दो ये और जितने भी यू कैरियोटिक किंगडम थे आर एच विटेकर के ये फोर बचे हुए हैं किंगडम तो वो किसमें आ गए थे केवल एक सिंगल डोमेन में इंक्लूड था वो कौन सा था यू कैरिया तो आंसर आ गया हमारा फोर्थ तो ध्यान रखना तीन डोमेन तंत्र में यहां पर जगत मोनेरा को दो डोमेन में क्लासिफाई किया था जबकि सभी यूकैरियोटिक जगत जो थे आर एच विटेकर के उनको किसमें रख दिया था एक डोमेन में रखा था आंसर आएगा फोर नेक्स्ट थर्टी थ्री इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हाउ मैनी किंगडम्स हैव ओनली सेल्यूलर टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पांच जगत वर्गीकरण में कितने जगत ऐसे हैं जिनके पास केवल कोशिकीय प्रकार का काय संगठन होता है तो अगर हम देखें जो एनसीआरटी में चार्ट दे रखा है क्लासिफिकेशन का उसमें वेरियस कैरेक्टर के बेस पर क्लासिफाई Uh, किया गया है पांचों जगतों को उसमें एक कैरेक्टर ले रखा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि काय संगठन तो उसमें अगर हम देखें केवल दो ही किंगडम ऐसे हैं पहला मोनेरा और दूसरा प्रोटिस्टा इन दोनों में ही कौन सा बॉडी uh, ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल्युलर टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है यानी कि कोशिकीय प्रकार का संगठन तो हमारा आंसर क्या आएगा सेकंड किन 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 किंगडम में है मोनेरा एंड प्रोटिस्टा तो आंसर सेकंड नेक्स्ट देखिए थर्टी फोर हाउ मेनी किंगडम्स ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कंटेन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पांच जगत वर्गीकरण के कितने जगत स्वपोषी प्रकार की पोषण विधि रखते हैं तो अगर हम स्वपोषी पोषण विधि की बात करें तो एक तो आ सकता है मोनेरा किंगडम मोनेरा किंगडम में भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो सकता है इसके अलावा इसमें अगर हम देखें आता है प्लांटी किंगडम में जिसमें भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और दूसरा आ सकता है एक और जिसमें किंगडम क्योंकि उसके भी अंदर कुछ सदस्यों में क्या होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है बाकी फंजाई में कोई भी यहाँ पर ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो नहीं करता इसी तरह एनिमेलिया किंगडम में भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं होता तो इसीलिए हमारा जो आंसर जाएगा वो कितना आएगा थ्री तो कौन कौन से यहां पर अगर हम थ्री में देखें कौन कौन से हो जाएंगे एक तो मोनेरा किंगडम एक प्रोटिस्टा और एक आएगा प्लांटी तो ये तीन जगत हैं जिनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो सकता है नेक्स्ट यहां हम बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टैक्सा एट सेम लेवल इन टैक्सोनॉमिक हिरार्की एक्सेप्ट यानी कि इन चार ऑप्शन में अगर हम देखें किसी कोई एक ऐसा है जिसमें से उसको छोड़कर बाकी सभी वर्ग की पदानुक्रम में किस स्तर पर आते हैं समान स्तर पर आते हैं समान स्तर का मतलब है हो सकता हो इन चार में से तीन स्पीसीज हो मे भी चार में से तीन एक से जीनस हो सकते हैं या फिर फैमिली हो सकती है कोई एक लेवल पर होंगे तीन बाकी एक अलग होगा तो अगर हम लियो की बात करें लियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीसीज को इसी तरह एस्टिवेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर स्पीसीज को इसी तरह मेलोनजेना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशीज को और फेलिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को तो आप देख रहे हो कि इसमें ये तीन तो स्पीसीज हैं और ये जो फेलिस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वंश को तो इसीलिए आंसर क्या आएगा फोर तो ध्यान रखना लियो जाति है मेलोनजेना जाति है एस्टिवम जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन ये जो फेलिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको वंश को इसीलिए आंसर आ गया फोर नेक्स्ट यहां हम डिस्कस करते हैं थर्टी सिक्स तो देखिए चूज ऑड वन फॉर द टैक्सा ऑफ मकोई मकोई के टैक्सा के लिए एक विषम को चुनिए अगर हम मकोई को देखें तो मकोई प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है सोलेनम नाइग्रम ठीक है क्या होता है सोलेनम नाइग्रम तो आपने देखा ये जो सोलेनम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को नाइग्रम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशीज को तो देखिए सोलेनम इसमें इंक्लूड है इसका मतलब हमें अलग चुनना है लेकिन ये इसके लिए अप्लाई होता है तो ध्यान रखना सोलेनम इसके लिए अप्लाई होगा अब ये जो सोलेनम नाइग्रम है ये आगे चलकर किस फैमिली में इंक्लूड है सोलेनम जीनस आता है फैमिली सोलेनेसी में और सोलेनेसी फैमिली आगे चलकर इंक्लूड होती है पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में तो ये सोलेनेसी हो गई फैमिली और पॉलीमोनियल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर को और पॉलीमोनियल्स ऑर्डर के आगे हम अगर क्लास की बात करें तो क्लास क्या आ जाएगा यहां पर डाई कॉटिलिडनी आप देखिए तो यहां आप देख लीजिए पूरा मैंने लिख दिया पॉलीमोनियल्स ये इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है litany, ये इसके क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन जो एक फैमिली है वो इसमें कहीं नहीं आ रही क्योंकि इसकी फैमिली कौन सी है सोलेनेसी लेकिन यहां पर कनवॉलवेश एक टर्म दे रखा है जो इसके लिए अप्लाई नहीं होता तो ध्यान रखना डाईकॉट लिडनी होगा पॉलीमोनियल्स इसके लिए होगा लेकिन कनवॉलवलेश इसके लिए अप्लाई नहीं होता है इसीलिए हमारा जो ऑड वन आंसर आएगा वो कौन सा है थर्ड नेक्स्ट नेवन नंबर क्वेश्चन तो देखिए वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ हम दो अलग अलग जाति हैं जो एक आपस में निकट संबंधी है उनको अगर हमें अलग करना है तो किसके आधार पर हम उनको अलग कर सकते हैं या डिस्टिंग कर सकते हैं तो देखिए मॉर्फोलॉजिकल फीचर समान आकारी की लक्षण गलत है अगर आकारी की लक्षण समान होंगे तो वो उसमें समानता को दर्शा रहा है लेकिन हमें अलग करना है तो कुछ लक्षण अलग भी होने चाहिए तो देखिए ये तो गलत हो गया क्योंकि इसके आधार पर तो समानता ही प्रदर्शित हो रही है सेकेंड डिस्टिंग मोर्फोलॉजिकल डिफरेंस यानी कि आकार की, की भिन्नता ये सही आंसर है इसका क्योंकि इन आकार की लक्षणों में अगर भिन्नता होगी उन्हीं लक्षणों के आधार पर हम दो निकट संबंधी जीवों को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं एनाटॉमिकल सिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी गलत है क्योंकि सिमिलैरिटी के बेस पर नहीं कर सकते फंडामेंटल सिमिलैरिटी ये भी गलत है आंसर आएगा सेकंड तो ध्यान रखना अगर हमें दो जाति को अलग करना है तो भिन्नता के आधार पर ही हम कर सकते हैं समानता के आधार पर नहीं थर्टी एट नंबर विच वन इज नॉट अ टैक्सोनॉमिकल एड फॉर प्लांट कौन सा एक पादपों के लिए वर्गी की सहायक नहीं है अगर देखिए हम देखें कि की, की का उपयोग पादप और जंतु दोनों के लिए होता है म्यूजियम में पादप और जंतु दोनों रखे जाते हैं हर्वेरियम का उपयोग पादप के लिए ही किया जाता है लेकिन जूलॉजिकल पार्कस में पादप नहीं किसका संरक्षण किया जाता है जंतुओं का संरक्षण किया जाता है इसीलिए आंसर क्या आएगा पादप के लिए नहीं है कौन सा वर्गी की सहायक फर्स्ट प्राणी उपवन नेक्स्ट 39 नंबर व्हिच वन कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया ठीक है तो यहां पर किसी क्षेत्र के पादपों तथा उसके वास स्थानों के विषय में जानकारी कौन प्रदान करता है तो देखिए यहां पर अगर हम एनसीआर में देखें लास्ट में कुछ डेफिनेशन दी गई है लाइक जैसे इसमें आता है फ्लोरा मैनुअल कैटलॉग ये सब दे रखे हैं तो वहां पर जब आप देखोगे एक टर्म आएगा फ्लोरा ये जो फ्लोरा है इसको अगर हम देखें किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में जितने भी पादप होते हैं उन पादपों की जो सूची होती है उस सूची को हम क्या बोलते हैं लिस्ट को फ्लोरा और ये फ्लोरा जब हम दो जगह के फ्लोरा को कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि किस जगह पर कौन सा प्लांट वहां ज्यादा प्रेजेंट है वहां पाया जा रहा है यानी कि उसके हैविटेट और विभिन्न जियोग्राफिकल रीजन में उसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी क्या कर रहा है वो बताता है तो आंसर आएगा क्या फ्लोरा आंसर थर्ड नेक्स्ट विच वन कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन तो इसमें से अगर हम देखें किसमें एक वर्गक की जानकारी होती है तो यहाँ अगर हम एक वर्ग की जानकारी की अगर हम बात करें तो इसमें आता है मोनोग्राफ इस मोनोग्राफ में ही क्या होती है एक वर्गक की जानकारी प्रदान की जाती है इंफॉर्मेशन होती है आंसर आएगा थर्ड नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवीजन निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाग है ध्यान रखना अगर हम क्लास वर्गी की पदानुक्रम या टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात करें तो इस टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में जो सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरी आती हैं उसमें जो सिक्स्थ नंबर स्पीशीज से जब आप जाएंगे किंगडम की तरफ तो सिक्स्थ नंबर पे प्रेजेंट है फाइलम और डिवीजन फाइलम टर्म यूज किया जाता है एनिमल के के लिए लिए और ये जो है है वो किया जाता है, प्लांट के लिए. तो अब देखिए पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है को किसको कर रहा है यहाँ पर फाइलम को मोनोकॉट लिडनी यहां पर डिवीजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर क्लास को लेकिन एंजियोस्पर्मी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एक डिवीज़न को क्योंकि प्लांट्स में फाइव डिवीज़न प्रेजेंट है लाइक जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी और एनजियोस्पर्मी तो इसमें आंसर आएगा फोर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फोर्टी टू नंबर क्वेश्चन तो देखिए द कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग वेन वी मूव फ्रॉम यानी कि समान गुणों में कमी कब आती है जब हम जाते हैं तो अगर हम टेक्सोनॉमिकल हिरारकी में देखें तो टेक्सोनोमिकल हिरारकी में स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम और किंगडम और सॉरी फाइलम और डिवीज़न इसमें आता है फाइलम और डिवीज़न और सबसे टॉप पर क्या आता है किंगडम तो ये जो सेवन ऑबलीगेट्स कैटेगरी यहां बता रखी है तो जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो यहां पर सिमिलर कैरेक्टर कैसे होते हैं कम होते जाते हैं तो ध्यान रखना यहां पर सिमिलरिटी कैसी होगी कम होती जाती है जबकि अगर हम किंगडम से कहा की तरफ आएंगे स्पीसीज की तरफ तो सिमिलर कैरेक्टर क्या नंबर बढ़ता जाता है यानी कि सिमिलैरिटी कैसी होगी इंक्रीज होगी तो कॉमन कैरेक्टर का पूछा गया है कहाँ से कहाँ डिक्रीज का तो डिक्रीज कहाँ से कहाँ होगा जब आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे अब यहाँ देखिए डिवीजन टू ऑर्डर डिवीजन टू ऑर्डर तो ये तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं इसका मतलब इसमें तो इंक्रीज होगा तो ये रॉन्ग है जीनस टू क्लास जीनस टू क्लास ये राइट right आंसर होगा फिर भी आगे देखिए किंगडम टू फैमिली किंगडम से फैमिली अपर टू लोअर आ रहे हैं ये रॉन्ग है क्योंकि इसमें सिमिलरिटी इंक्रीज होगी नेक्स्ट क्लास टू फैमिली क्लास टू फैमिली अपर से लोअर आ रहे हैं इसका मतलब इसमें भी इंक्रीज होगा लेकिन हमें बताना है डिक्रीजिंग तो आंसर क्या आएगा सेकंड तो ध्यान रखना समान गुणों में कमी कब आएगी जब हम वंश से वर्ग की ओर जाते हैं बाकी इनमें समान गुण बढ़ेंगे तो आंसर आ गया सेकंड। नेक्स्ट यहां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 43। थ्री दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल दे आर क्लियर एनसीआर की लाइन है यद्यपि जीवाणु संरचना में अत्यंत सरल है लेकिन वे किस में कॉम्प्लेक्स होते हैं तो दे आर कॉम्प्लेक्स इन सेल्युलर स्ट्रक्चर रॉन्ग है इनका सेल्युलर स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल होता है ये स्टेटमेंट रॉन्ग दे रखा है नेक्स्ट देखिए वेरी कॉम्प्लेक्स इन ऑर्गेनाइजेशन ये भी रॉन्ग है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर अगर हम देखें सेल्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लाइक ऑर्गेनाइजेशन like है तो ये कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर ये बिल्कुल राइट right आंसर है इस क्वेश्चन का तो ये व्यवहार में कैसे होते हैं अत्यधिक जटिल होते हैं और फोर्थ देखिए वेरी कॉम्प्लेक्स इन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर रॉन्ग है क्योंकि इनमें न्यूक्लियस यहां पर आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नहीं है तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट बता रखा है आंसर आ गया थर्ड ने कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म विच वन ऑर्गेनिज्म हैज एज अ ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी यानी कि अन्य जीवधारियों की तुलना में कौन सा जीव समूह अधिक उपापचयी चयापच विविधता को दर्शाता है तो ध्यान रखना ये मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया का कैरेक्टर है तो इसमें आंसर आएगा थर्ड जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लियर ये वहां लाइन लिखी हुई है ना विषाणु ना डायटम्स ना स्पोरोजो आंसर आएगा थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी फाइव चूज द इनकरेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू शेप ऑफ बैक्टीरिया यानी कि जो जीवाणु है उसके आकार के संदर्भ में असत्य मिलान को चुनना है में गलत मिलान को चुनना है तो देखिए बेसिलस रॉड सेव्ड होता है ये बिल्कुल राइट दे रखा है स्पाइरिलम ये स्पाइरल सेव्ड है ये भी राइट दे रखा है कोकस रेक्टेंगुलर ये रॉन्ग दे रखा है विब्रियम ये कॉमा शेप्ड है बिल्कुल राइट है तो हमारा जो आंसर आएगा जो इनकरेक्ट मैच दे रखा है वो है आंसर थर्ड तो ध्यान रखना बेसिलस छड़ाकार होते हैं सर्पिलाकार हैं लेकिन कोकस आयताकार नहीं होते बल्कि कोकस को अगर हम देखें कैसे होते हैं ये राउंड सेव्ड या गोला कार होते हैं ठीक है और विब्रियम आकार होते हैं तो आंसर आ गया थर्ड नेक्स्ट फोर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन तो देखिए सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट सही कथन चुनिए बैक्टीरिया अकर्स इन ओनली फ्यू लिमिटेड हैबिटेट ये रॉन्ग है क्योंकि बैक्टीरिया कैसा होता है सभी जगह पर प्रेजेंट होता है लेकिन यहां क्या बोला फ्यू लिमिटेड हैबिटेट ये ये रॉन्ग रॉन्ग हो गया बैक्टीरिया नेवर हॉट स्प्रिंग भी है क्योंकि बैक्टीरिया गर्म पानी के जो झरने हैं या हॉट सल्फर स्प्रिंग है वहां प्रेजेंट होता है वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक रॉन्ग हो गया क्योंकि ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं नॉट ऑटोट्रॉपिक यानी कि अधिकांश जीवाणु कैसे होंगे स्वपोषी होते हैं यह गलत स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड मैंने अभी बोला कि अधिकांश जो जीवाणु है वो कैसे होते हैं हेट्रोट्रॉपिक हैं। तो वो अपना न्यूट्रिशन कहां से लेते हैं या तो ये अपना न्यूट्रिशन अदर पर डिपेंड होकर लेते हैं यानी कि एज या ए पैरासाइट या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में लेंगे यानी कि ये सेप्रोफाइट के फॉर्म में होते हैं तो आंसर इसका ये करेक्ट जाएगा फोर्थ तो ध्यान रखना अधिकांश जीवाणु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों पर अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं आंसर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन आर आर की बैक्टीरिया special बैक्टीरिया स्पेशल सिंस दे अब देखिए आद्य जीवाणु या आद्य बैक्टीरिया विशिष्ट है क्यों क्योंकि यहां पर देखिए ऑलवेज लिव इन एनारोबिक कंडीशन ये कोई जरूरी नहीं कि वो हमेशा एनारोबिक कंडीशन में ही रहते हैं नेवर लिव्स इन एनारोबिक कंडीशन ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये कंडीशन कुछ ऐसे भी हैं जो फैकल्टेटिव होते हैं दोनों जगह पर रह सकते हैं लिप्स इन मोस्ट हार्स कंडीशन ये बिल्कुल राइट है क्योंकि ये ऐसे कठिन आवासों में पाए जाते हैं जहां पर कोई अदर ऑनवेज नहीं रह पाता वहां पर ये इजीली सर्वाइव कर जाते हैं तो ये इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट देखिए इंक्लूड इन प्रो बट दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स ये रॉन्ग है क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते क्योंकि प्रो कैरियोटिक है तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड नेक्स्ट फोर्टी एट आर की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग यानी कि किसको रखने में आध जीवाणु अन्य जीवाणुओं से भिन्न है तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर ये राइट right आंसर है क्योंकि अगर हम जीवाणु और आर की बैक्टीरिया को अगर हम कंपेयर करें तो आर् बैक्टीरिया की जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है बैक्टीरिया से यानी कि कोशिका वृत्ति की संरचना जीवाणु से अलग है दूसरा देखिए सिमिलर सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रॉन्ग यहां पर पूछा क्या है डिफर बताना है लेकिन अगर सिमिलर सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा तो डिफरेंस नहीं होगा ये तो सिमिलरिटी हो गई तो ये रॉन्ग है डिफरेंट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया गलत है क्योंकि आर की बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो ध्यान रखना सूत्र कणिका की संख्या ये गलत है क्योंकि इसमें होती ही नहीं है नेक्स्ट डिफरेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें नहीं होती तो आंसर क्या जाएगा हमारा फर्स्ट नेक्स्ट फोर्टी नाइन मोनेर दैट आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल र्यूमिनेंट एनिमल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस आर यानी कि यहां पर अगर हम देखें मोनेरंस जो जुगाली करने वाले अनेक जुगाली करने वाले पशुओं के आंत में पाए जाते हैं तथा जैव गैस के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं तो देखिए फेलोजन ये तो रॉन्ग है क्योंकि फेलोजन एक टाइप का कैम्बियम है सेल्स की लेयर होती है ये रॉन्ग है मिथेनोजन बिल्कुल राइट है क्योंकि आरकी बैक्टीरिया में अगर हम देखें मिथेनोजन्स एक ग्रुप है जो आर् बैक्टीरिया का ग्रुप है जिसमें जो बायोगैस प्रोडक्शन की कैपेसिटी प्रेजेंट होती रॉन्ग है एसिडोफाइल्स यहां रॉन्ग है तो आंसर क्या आ गया मिथेनोजन्स आंसर सेकेंड फिफ्टी नंबर की बैक्टीरिया दैट लिवस इन एक्सट्रीम साल्टी एरियाज एंड हॉट स्प्रिंग आर रेस्पेक्टिवली नोन एज तो ध्यान रखना एक, एक्सट्रीम साल्टी एरिया तो साल्टी कंडीशन यानी कि लवणीय क्षेत्रों में जो की बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं हेलोफाइल्स यानी कि लवण रागी अब दूसरा हमें देखना है कि स्प्रिंग में जो पाए जाते हैं या गर्म पानी के झरनों में तो गर्म पानी के झरनों में जो पाए जाते हैं वो है थर्मो एसिडोफाइल्स क्योंकि वहां पर तापमान ज्यादा है और अम्लीय परिस्थितियां पाई जाती है तो आंसर क्या आ गया इसका सेकंड नेक्स्ट यहां हम डिस्कस करते हैं फिफ्टी वन तो देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू बैक्टीरिया कौन सा एक ट्रू बैक्टीरिया यहां है तो देखिए वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू बैक्टीरिया निम्न में से कौन सा एक सत्य जीवाणु है आर की बैक्टीरिया गलत है यू बैक्टीरिया राइट है और आर की बैक्टीरिया के ही एग्जाम्पल यहां दे रखे हैं हेलोफाइल्स मिथेनोजन तो हमारा आंसर क्या आ गया यू बैक्टीरिया क्लियर एनसीआर की लाइन है आप देखोगे तो वहां क्लियर लिखा होगा कि यू बैक्टीरिया आर द ट्रू बैक्टीरिया तो आंसर क्या गया यू बैक्टीरिया नेक्स्ट यहां डिस्कस करते हैं फिफ्टी टू तो साइनो बैक्टीरिया यानी कि साइनो बैक्टीरिया यहां आप कह सकते हो ब्लू ग्रीन एलगी के बारे में यहां हमें बताना है पहला आर ऑलवेज फ्रेश वाटर एल्गी ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा फ्रेश वाटर एल्गी ही होती है ये मेराइन वाटर में भी प्रेजेंट हो सकती है तो ये रॉन्ग हो गया आर मल्टी फ्लैजलेट इसमें फ्लैजिला नहीं होता तो ये आप कह सकते हो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है बहु कसाबिक होते हैं गलत है आर ओनली फ्लामेंटस ये भी गलत है ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं फ्लामेंटस भी हो सकते हैं क्लियर एनसीआर ने लिख रखा है तो केवल तंतुवत होते हैं ये गलत है। हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स बिल्कुल राइट है ये हरे पादपों के समान क्लोरोफिल ए रखते हैं ये एक इसका फीचर है बिल्कुल राइट है आंसर फोर नेक्स्ट आता है फिफ्टी थ्री तो देखिए हेट्रोसिस्ट आर स्पे इस, हेट्रोसिस्ट विशिष्ट प्रकार की क्या होती है तो देखिए स्पेशलाइज नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल फाउंड इन सम साइनोबैक्टीरिया ये बिल्कुल राइट है इसमें नाइट्रोजन स्त्रीकारी कोशिका है जो कुछ साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है राइट स्टेटमेंट है नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल है कन्वर्ट एटमोस्फिरिया अमोनिया इनटू नाइट्रोजन गोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं लेकिन अमोनिया है को नाइट्रोजन में रॉन्ग स्टेटमेंट है तो ध्यान रखना है कभी भी अमोनिया को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित नहीं करते दे आर स्पेशरसिंग फिक्सिंग सेल रॉन्ग है फॉस्फोरस का नहीं करते नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल फाउंड इन ऑल साइनो बैक्टीरिया ये रॉन्ग है क्लियर एनसीआर ने भी दे रखा है सम साइनो बैक्टीरिया ठीक है तो ये ध्यान रखना ये रॉन्ग स्टेटमेंट है आंसर आएगा फर्स्ट नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन फिलामेंटस बीजीए कवर्ड बाई तंतुवत बीजीए किससे आवरत रहते हैं तो अगर आप एनसीआर में देखेंगे तो एनसीआर में एक फिगर दे रखा है इस फिगर तो अगर हम देखें तो ये किसका फिगर बता रखा है यहां पर बीजीए का और इस फिगर में आप क्लियरली देखोगे कि ये चारों तरफ से किससे कवर्ड है एक म्यूसिलेजनस सीथ से कवर्ड रहते हैं तो यहां पर क्या प्रेजेंट है म्यूसिलेजनस सीथ प्रेजेंट होती है तो ये आंसर आ गया थर्ड थर्डमी आच्छद द्वारा बिल्कुल एनसीआरटी में फिगर में दे रखा है एनर्जी फॉर देयर ए टीपी प्रोडक्शन आर यानी कि जीवाणु जो विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ जैसे नाइट्रेट नाइट्राइट तथा अमोनिया को ऑक्सीकृत करते हैं तथा अपने लिए किसका उत्पादन करते हैं ए उत्पादन के लिए जो मुक्त ऊर्जा है उसका उपयोग करते हैं तो ये किस कैटेगरी में आते हैं तो ये आते हैं कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया तो ध्यान रखना कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया डिफरेंट इनऑर्गेनिक केमिकल्स को क्या करते हैं ऑक्सीडाइज करेंगे और ये जो अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं इन रासायनिक पदार्थों का जब ऑक्सीडेशन होता है या ऑक्सीकरण तो ऑक्सीडेशन के कारण इससे क्या निकलती है ऊर्जा और इस ऊर्जा या एनर्जी का यूज कौन करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी तो ये ध्यान रखना तो आंसर क्या आ जाएगा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आंसर फर्स्ट नेक्स्ट आता है फिफ्टी सिक्स विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया मोस्ट इन नेचर किस प्रकार के जीवाणु प्रकृति में बहुलता में पाए जाते हैं तो ध्यान रखना अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया किस टाइप के होते हैं हेट्रोट्रॉपिक होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते तो आंसर क्या आ जाएगा परपोषी जीवाणु या हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आंसर फर्स्ट नेक्स्ट देखिए मेजोरिटी ऑफ हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया अधिकतर परपोषी जीवाणु होते हैं तो ध्यान रखना एनसीईआरटी की पूरी लाइन है तो अगर हम मेजोरिटी ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे पहली बात तो बैक्टीरिया में मेजोरिटी में कौन है हेट्रोट्रोपिक और कम कौन है ऑटोट्रॉपिक अब हेट्रोट्रॉपिक में भी अगर हम कंपेयर कम, करें तो मेजोरिटी में कौन से बैक्टीरिया होते हैं तो दे आर डिकम्पोजर ध्यान रखना सबसे अधिकतर कौन से होते हैं अपघटक आंसर आता है सेकंड नेक्स्ट 58 बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई जीवाणु मुख्यतः जनन करते हैं तो अगर हम बैक्टीरिया में देखें तो बैक्टीरियल सेल क्या होती है एक बैक्टीरियल सेल जब डिवीज़न करती है तो एक सेल डिवाइड होकर टू न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती है यानी कि उस पेरेंट सेल या मदर सेल दो पार्ट में डिवाइड होकर न्यू प्रोजेनी फॉर्म करती है यानी कि यहाँ पर कौन सा डिवीजन होगा फिजन तो ध्यान रखना रिप्रोडक्शन किस टाइप का होगा यहाँ पर फिजन यहाँ नॉर्मली हम बोलते हैं बाइनरी फिजन आंसर आ गया सेकंड यानी कि विखंडन नेक्स्ट आता है 59 नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फर्स्ट इज माइको प्लाज्मा हैज नो सेल वॉल बिल्कुल राइट है इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती यानी कि ये माइको प्लाज्मा वॉल लेस होते हैं नेक्स्ट देखिए माइको प्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ये भी राइट है क्योंकि यहां पर अगर हम देखें ये लिविंग भी है और ये स्मॉलेस्ट इनका साइज बहुत कम होता है माइको प्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ये रॉन्ग है क्योंकि ये दोनों टाइप के होते हैं ये सरवाइव कर सकते हैं एनसीआरटी में क्लियर दे रखा है तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित जीव है सही है लेकिन ये ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते ये रॉन्ग है माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन ओनली प्लांट्स ये भी रॉन्ग है क्योंकि माइकोप्लाज्मा पादप के साथ साथ जंतुओं में भी क्या कर सकते हैं रोग फैला सकते हैं यानी कि प्लांट और एनिमल दोनों में ही पैथोजेनिक हो सकते हैं इन बैक्टीरिया सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय अडॉप्टिंग अ मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर यानी कि एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में सबसे आधुनिक प्रकार से डीएनए स्थानांतरण द्वारा जीवाणुओं में लैंगिक जनन होता है ये रॉन्ग है एनसीईआरटी आप जब पढ़ोगे तो क्लियर लिख रखा होगा वहां पर टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या लिख रखा है मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर जो इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर देता है तो यहां पूछा क्या गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से सत्य कथन तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा ए और बी केवल यही दो राइट है आंसर सेकेंड तो ध्यान रखना केवल ए और बी सही है नेक्स्ट देखिए सिलेक्ट ऑर्ड वन विथ रिस्पेक्ट टू किंगडम प्रोटिस्टा जगत प्रोटिस्टा के संदर्भ में एक विषम को चुनिए पहला देखिए ये तो राइट है क्योंकि इस कोशिकीय सेल्स को यू कैरियोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड बिल्कुल राइट है इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं है इसमें एलगी को भी एलगी भी इंक्लूड है फनजाई भी इंक्लूड है तो ये क्या है इसकी बाउंड्री क्लियर कट डिफाइन नहीं है इंक्लूड ओनली यूनि सेलुलर एलगी एंड फंजाई ये रॉन्ग है क्योंकि इसमें यूनी सेलुलर एलगी यूनि सेलुलर फंजाई के साथ साथ यूनि सेलुलर एनिमल्स भी हैं लाइक जैसे प्रोटोजोआ तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है यहां पर नेक्स्ट देखिए ंग यू कैरियोड द प्रोटेस्टेंट सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मैम्रेन बाउंड ऑर्गेल्स ये राइट है तो हमारा जो ऑड वन आंसर है वो कौन सा आएगा थर्ड ये रॉन्ग है किसके लिए प्रोटेस्टा के लिए बाकी फोर्थ भी राइट है नेक्स्ट आता है सिक्सटी वन प्रोटेस्ट रिप्रोड्यूस प्रोटेस्ट जनन कर सकते करते हैं किसके द्वारा तो देखिए ए सेक्चुअली बाई जाइगोट फॉर्मेशन ए सेक्चुअल में जाइगोट नहीं बनता तो ध्यान रखना अलैंगिक रूप से जब जनन होगा तो उसमें युग्मनज नहीं बनता नेक्स्ट देखिए सेक्चुअली बाई अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन ये करेक्ट आंसर है क्योंकि अगर हम देखें लैंगिक रूप से एक प्रक्रिया द्वारा इनमें जनन होगा जिसमें कोशिका संलयन तथा युग्मनज निर्माण सम्मिलित होता है तो दो सेल्स जब फ्यूज करती हैं तो आगे वो जाइगोट बना लेती हैं और इस तरीके से यहां पर प्रोटिस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो आंसर करेक्ट आएगा सेकेंड ओनली ये रॉन्ग हो गया ओनली वेजिटेटिवली ये भी रॉन्ग है आंसर सेकेंड नेक्स्ट देखिए इसमें 62 टू इंक्लूड क्लियर एनसीआर में दे रखा है क्राइसोफाइट्स में किस किस को इंक्लूड किया जाता है डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी गोल्डन एलगी में आ, को दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं डेस्मिट्स तो आप देखिए फर्स्ट गोल्डन एलगी एंड अमीबा रॉन्ग हो गया ठीक है ये रॉन्ग हो गया सुनहरे सेबाल के साथ अमीबा गलत है क्योंकि अमीबा आता है किसमें प्रोटोजोआ में डायटम्स एंड डेसमिट्स ये राइट right आंसर जाएगा क्योंकि डायटम्स एंड डेसमिट्स इसमें करेक्ट आंसर आएगा नेक्स्ट देखिए गोल्डन एंड ब्राउन एलगी गलत है और रेड एलगी गलत है आंसर आएगा सेकेंड क्लियर एनसीआरटी का बेस पर है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर रिलेटेड विथ डायटम्स तो डायटम्स के लिए कौन से लक्षण संबंधित नहीं है ध्यान रखना नॉट रिलेटेड या संबंधित नहीं है दे आर माइक्रोस्कोपिक बिल्कुल राइट है ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये तो उससे रिलेटेड हुआ तो दे आर अत्यंत सूक्ष्म होते हैं दे आर एक्टिवली फ्लोट इन वाटर एज दे आर बाई फ्लेजलेट ध्यान रखना क्लियर एनसीआरटी में लिख रखा है ये वाटर के अंदर या पानी में सक्रिय रूप से या एक्टिवली कभी फ्लोट नहीं करते पैसिवली फ्लोट करते हैं क्योंकि इनके पास फ्लैजला नहीं होते तो यहां पर एक गलत दे रखा है इनमें बाई फ्लैजलेट कंडीशन नेक्स्ट देखिए दे आर फाइटोप्लांकटन ये राइट right है ये फाइटोप्लांकटन होते हैं यानी कि पादप प्लवक में काउंट आते हैं मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक इनमें अधिकांश प्रकाश संश्लेषी होते हैं ये बिल्कुल राइट right स्टेटमेंट है लेकिन पूछा है नॉट रिलेटेड तो आंसर आएगा सेकंड नेक्स्ट सिक्सटी फोर तो देखिए चीफ प्रोड्यूसर इन द ओसी महासागरों में मुख्य उत्पादक कौन होते हैं तो महासागरों में अगर मुख्य उत्पादक की बात करें तो इसमें आ जाता है डायटम्स क्लियर एनसीआरटी बेस ये आंसर है डायटम्स आंसर फोर नेक्स्ट सिक्सटी फाइव नंबर डायटम्स की भित्ति में होता है यानी कि वॉल्स ऑफ डायटम्स आर एम्बडेड विथ क्लियर एनसीआर में आप पढ़ोगे सिलिका टर्म दे रखा है कि यहां पर जो डायटम्स की वॉल्स होती है सेल वॉल्स वो किससे वहां पर क्या एम्बडेड कंडीशन में प्रेजेंट होता है सिलिका आंसर आएगा थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटी सिक्स डायटम्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स आर सिमिलर एज बोथ यानी कि डायटम्स और डायनोफ्लैज में समान होते हैं क्योंकि दोनों में क्या पाया जाता है देखिए बोथ आर बाई फ्लैजलेटेड रॉन्ग है क्योंकि डायटम्स बाईफ्लेजेड नहीं है डायनोफ्लैजिलेट्स हैं बट हमें सिमिलरिटी देखना है एपियर्स इन डिफरेंट कलर्स रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर डायनोफ्लैजेट्स में कलर डिफरेंट होते हैं बट डायटम्स में ऐसा नहीं होता ल वॉल ये भी रॉन्ग है क्योंकि ना तो डायटम्स में इनर सेल इनर वॉल पर सेल्यूलोज uh, का डिपोजिशन होता है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर मैनर में ये भी रॉन्ग है अब अगर हम देखें दे आर एक्टिक एंड फोटो सिंथेटिक ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है डायटम्स भी कैसे हैं 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 और फोटोसिंथेटिक भी। तो आंसर क्या आ गया जलीय तथा प्रकाश संश्लेषी होने के कारण दोनों में ये समानता होती है लेकिन आंतरिक कोशिका भित्ति पर सेलुलोज का डिपोजिशन नहीं है भिन्न रंगों में ये होते नहीं है दुई कसाविक होते नहीं है तो आंसर आ गया फोर नेक्स्ट सिक्सटी सेवन रेड टाइड इज कॉस्ड बाय क्लियर एनसीआर में दे रखा है अगर हम लाल तरंगों की बात करें ये किसके थ्रू फॉर्म होगा गोनियोलेक्स के जो डायनोफ्लेजिएट्स है और रेड कलर का होता है तो जब ये एक्सेसिव अमाउंट में ग्रोथ कर जाता है तो वहां पर जो सी है वो रेड कलर का दिखने लगता है नेक्स्ट सिक्सटी एट इन मोस्ट ऑफ डाइनो फ्लैजलेट्स अधिकतर डाइनो फ्लैज में क्या पाया जाता है तो देखिए यहां पर बोथ फ्लैजला लाइज लॉन्गिट्यूडनली लॉन्ग है यानी कि दोनों कसाविका लंबवत रूप में होते हैं गलत है दोनों बोथ लाइट ट्रांसवर्सली गलत है यहां पर अगर हम डायनोफ्लैजेट्स को देखें तो डायनोफ्लैजिलेट्स में एक जो फ्लैजिला होता है वो कहां प्रेजेंट होता है ट्रांसवर्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है जबकि एक लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो देखिए ट्रांसवर्स फ्लेजिला फाउंड इन फ्यूरो बिटवीन वॉल्स प्लेट तो देखिए ये एक वॉल प्लेट है ये दूसरी दोनों के बीच में ये ट्रांसवर्स फ्लेजिला प्रेजेंट है ये करेक्ट आंसर है नेक्स्ट देखिए लॉन्गीट्यूडनल फ्लेजला फाउंड इन अ फ्यूरो बिटवीन द वॉल्स प्लेट गलत है यहाँ पर ये वॉल प्लेट के बीच में नहीं है क्योंकि इसमें दो वॉल प्लेट है ऊपर और नीचे की तरफ तो ये रॉन्ग है क्लियर एन की लाइन है ये रॉन्ग है तो ध्यान रखना अनुप्रस्थ का वित्तीय पट्टिकाओं के बीच की खांच में पाया जाता है जबकि लंबवत के लिए ऐसा नहीं होता आंसर आएगा थर्ड नेक्स्ट यहाँ सिक्सटी नाइन नंबर क्वेश्चन तो देखिए मेजोरिटी ऑफ यूगलीज फाउंड स्टेगनेट वाटर ये रॉन्ग है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो होते हैं वो कैसे होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं जबकि यहां क्या लिख रखा है मेराइन वाटर तो ध्यान रखना ये रॉन्ग हो गया नेक्स्ट इन यूगलीना सेल वॉल इज हैव अ लिपिड रिच लेयर रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होती है पहली कल जो प्रोटीन रिच लेयर होती है जबकि यहां पर क्या बोल रखा है बसा से भरपूर परत होती है ये रॉन्ग है तो इसमें अगर हम देखें बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट कैसे हो गए यहां पर रॉन्ग आंसर आएगा सेकेंड सेवनटीन नंबर नम्ब, 17 नंबर देखिए स्लाइम मोल्ड्स आर अवपंक कवक हैं तो यहां पर अगर, अगर हम अब कवक की बात करें दे आर से मृत पोषी होते हैं क्लियर एनसीआरटी में आप देखोगे लिख रखा है तो आंसर आएगा सेकेंड सेवेंटी वन पिगमेंट्स ऑफ युगलिनइड्स आर आइडेंटिकल टू युगिनॉय्स के वर्णक किसके वर्णकों के समान होते हैं तो देखिए लोअर प्लांट्स रॉन्ग है थैलोफाइटा रॉन्ग है हायर प्लांट्स बिल्कुल राइट है यानी कि उच्च पादपों के समान इसके वर्णक पाए जाते हैं क्लियर एनसीईआरटी में लिख रखा है नेक्स्ट स्पोर्स ऑफ स्लाइम पंक कवक के जो बीजाणु होते हैं उसके बारे में हमें बताना है पजेज लिग्निफाइड वॉल्स रॉन्ग है ये लिग्निफाइड वॉल इस पर नहीं होती यानी कि ये अत्यधिक प्रतिरोधी नहीं होते ये भी गलत स्टेटमेंट दे रखा है क्योंकि ये अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं बाई करंट बायु द्वारा परिक्षेपित होते हैं ये राइट स्टेटमेंट है क्योंकि जो यहां पर स्पोर्ट्स बनेंगे वो एयर करंट द्वारा या वायु बेग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो ये सही दे रखा है कैन नॉट सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन विपरीत परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते गलत है ये अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी क्या कर सकते हैं ये जीवित रह सकते हैं आंसर आएगा थर्ड नेक्स्ट सेवेंटी थ्री तो देखिए मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड प्लाज्मोडियम तो ये देखिए यहां पर ये जो प्लाज्मोडियम है वो इटैलिक मैनर में नहीं है जो इस बात को शो कर रहा है कि ये कोई ऑर्गेनिस्म नहीं है और आपने पढ़ रखा है स्लाइम मोल्ड के अंदर कि ये जो प्लाज्मोडियम होता है वो स्लाइम मोल्ड का एग्रीगेशन होता है यानी कि अब कवक के समूहन को हम क्या बोलेंगे यहां पर प्लाज्मोडियम यानी कि एक का आ गया फोर्थ और एक का फोर्थ एक में ही दे रखा है फोर्थ आंसर आ जाएगा तो देखिए ट्रिपेनोसोमा ये स्लीपिंग सिकनेस या ट्रिपेनोसोमा निद्रालु व्याधि रोग से रिलेटेड है ये प्लाज्मोडियम आप देख रहे हो कैसा है इटैलिक मैनर में तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्गेनिज को और ये मलेरियल पैरासाइट होता है और अमीवा को अगर हम देखें इसमें फॉल्स फीट पाए जाते हैं तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा ए का फोर्थ बी का थर्ड सी का फर्स्ट और डी का सेकंड आंसर फोर सेवेंटी फोर प्रोटोजोन्स तो प्रोटोजोन्स क्या है ऑल आर हेट्रोट्रॉफिक बिल्कुल राइट है आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ प्लांट रॉन्ग है प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स ये जंतुओं के संबंधी माने जाते हैं ना कि पादपों के नेक्स्ट देखिए गलत है इसमें कोई भी फोटो नहीं होता प्रकाश संश्लेषी नहीं है दे आर प्री आर ओनली प्रीडेटर ये रॉन्ग है क्योंकि सभी प्रीडेटर नहीं है कुछ पैरासाइट भी होते हैं तो आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट 75. फाइव अमीवा मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट यानी कि अमीवा किसकी सहायता से अपने शिकार को पकड़ता है तो देखिए अमीवा क्या करता है क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती तो ये सीडोपोडिया फॉल्स फीट का फॉर्मेशन करके अपने प्रे को पकड़ता है तो आंसर आएगा फॉल्स फीट सियडोपोडिया यानी कि आंसर आएगा फोर मोर देन वन करेक्ट इसमें असत्यपाद भी हो सकते हैं कूटपाद भी होते हैं नेक्स्ट सिक्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इंफेक्टेड स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल विविध जीवधारी जो अपने जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य वीजाणु जैसी अवस्था रखते हैं किसमें सम्मिलित हैं? क्लियर एनसीआरटी में जब आप प्रोटोजो में पढ़ोगे तो इसमें आएगा एक स्पोरो इंक्लूड है मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम तो ये इसका कैरेक्टर है आंसर आएगा थर्ड यानी कि स्पोरोजोआ नेक्स्ट सेवेंटी सेवन protozoan group that include paramecium are actively moving organism due to presence of यानी कि प्रोटोजोआ समूह जिसमें पैरामीशियम सम्मिलित है अत्यंत सक्रिय गति करते हैं ठीक है किसके द्वारा करते हैं थाउजेंड्स ऑफ फ्लैजेला रॉन्ग इसमें फ्लैजेला नहीं होते ध्यान रखना इसमें कशाभिका नहीं पाए जाते थाउजेंड्स ऑफ सीलिया ये करेक्ट आंसर है क्लियरेंस एनसीआरटी में दे रखा है हजारों पक्षमाप की उपस्थिति के कारण और ये पक्षमाप जब एक साथ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं तो ये एक्टिवली मूव कर सकता है सिंगल सिंगल सीलिया नहीं है आंसर सेकंड नेक्स्ट सेवेंटी एट विच वन इज नॉट अ पैरासाइट कौन सा एक परजीवी नहीं है तो यहां अगर हम देखें ये वायरस है वायरस पैरा ये कैसे होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट ये परजीवी है ट्रिपेनोसोमा परजीवी है एन परजीवी है क्लियरेंस टी ने आप देखोगे उसमें लिख रखा है लेकिन डायटम्स कैसा होता है ऑटोट्रॉपिक ये पैरासाइट नहीं है आंसर आएगा डायटम्स नेक्स्ट 79 सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी कि कृत्रिम वर्गीकरण तंत्र के संदर्भ में गलत कथन को हमें चुनना है तो देखिए गिवन वाई लीनियस ये राइट right है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में अगर हम देखेंगे लीनियस का क्लासिफिकेशन भी इंक्लूड है तो ये राइट right है मोस्ट एक्सेप्टेड देन क्लासिफिकेशन सिस्टम रॉन्ग हो गया क्योंकि अगर हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये कैसा होता है ये एक्सेप्टेड नहीं है तो ये रॉन्ग हो गया सेपरेट क्लोजली रिलेटेड बिल्कुल राइट right है क्यों कर दी थी क्योंकि यहां पर ये किस पर बेस था फ्यू मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या फ्यू कैरेक्टर पर बेस था इसी वजह से इसने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज क्या हो गई इस क्लासिफिकेशन में सेपरेट हो जाती है गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर कायिक तथा लैंगिक लक्षणों को समान मान्यता दी थी बिल्कुल इसमें ये होता है तो इसका चूंकि रॉन्ग पूछा है तो आंसर क्या आ गया इसका सेकंड ए नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर कौन सा कोशिका विज्ञानी सूचनाओं जैसे गुणसूत्र की संख्या संरचना तथा व्यवहार पर आधारित होता है तो जब आप एनसीईआरटी देखोगे क्लियर दे रखा है साइटो आंसर सेकंड यानी कि कोशिका वर्गीकी नेक्स्ट क्वेश्चन 81 वन इन विच क्लासिफिकेशन सिस्टम एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा है कॉमन एंसेस्टर यानी कि एक ही टेक्सा में जो ऑर्गेज प्रेजेंट है वो सब एक कॉमन एंसेस्टर को बिलोंग करते हैं तो ये किस क्लासिफिकेशन सिस्टम रखना किस वर्गीकरण तंत्र में पता लगता है कि समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही होते हैं आंसर आएगा थर्ड फाइलोजेनेटिक क्लियर एनसीआरटी में दे रखा है हम यहां बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नाइन टू तो देखिए यहां पर की की के बारे में हमें बताना है आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओनली प्लांट्स रॉन्ग हो गया क्योंकि केवल पादपों की पहचान के लिए उपयोग किए जाती है गलत है इसमें प्लांट एवं एनिमल्स के लिए यूज की जाती है दूसरा देखिए आर एनालिटिकल इन नेचर ये राइट है यानी कि प्रकृति में कैसी होती है कि विश्लेषणात्मक ये बिल्कुल राइट है क्योंकि एनसीआरटी उनको लास्ट में दे रखा है कि कि विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल नेचर की होती है थर्ड देखिए रिक्वायर्ड ओनली सिंगल टैक्सोनॉमिक की फॉर ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि सेपरेट टैक्सोनोम की के आइडेंटिफिकेशन के लिए सेपरेट की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन यहां क्या लिख रखा है ऑल कैटेगरी के लिए सिंगल की अप्लाई होगी ये गलत दे रखा है तो ध्यान रखना पहचान के लिए सभी वर्गी की संवर्ग के लिए केवल एक वर्गी की कुंजी की आवश्यकता नहीं होती एंड इट इज बेस्ड ऑन ओनली सिमिलैरिटी ये भी रॉन्ग है इट इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी तो ये केवल समानता पर आधारित नहीं होती बल्कि समानता के साथ साथ असमानता पर आधारित होती है तो इस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा सेकंड। नेक्स्ट 83. थ्री विच टेक्सोनॉमिक एड इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यानी कि इसमें ये जो टेक्सोनॉमिकल एड्स आपको दे रखे हैं ये कौन सा टेक्सोनोमिकल एट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर बेस है क्लियर एनसीआर में दे रखा है की की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स तो यानी कि इसमें कुंजी विपर्यासी लक्षणों पर आधारित होती है तो आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 84 नेक्स्ट 84 फोर ईच स्टेटमेंट इन द की कॉल्ड ठीक है एक की में कितने जो स्टेटमेंट होते हैं तो ईच स्टेटमेंट को अगर हम देखें क्या बोलते हैं हम ईच स्टेटमेंट इन द की कॉल्ड लीड कुंजी के प्रत्येक कथन को क्या बोलते हैं मार्ग दर्शक आंसर आएगा थर्ड नेक्स्ट 85 इन बोटेनिकल गार्डन्स प्लांट लेवल इंक्लूड हाउ मैनी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी वनस्पतिक उद्यान में जो पादप लेवल लगा होता है उसमें कितने टेक्सोनॉमिकल कैटेगरिया वर्गी की संवर्ग शो किए जाते हैं तो आपको पता है बॉटेनिकल गार्डन्स में जो लेवल लगा होगा प्लांट पर उस पर दो पार्ट लिखे होते हैं एक होता है साइंटिफिक नेम और साइंटिफिक नेम में जीनस और स्पीसीज को शो किया जाता है और इसके साथ साथ यहां पर इस लेबल पर फैमिली लिखी होती है ठीक है तो ध्यान रखना यहां पर क्या लिखा होगा फैमिली भी लिखी होती है तो कितनी कैटेगरी हो गई जीनस स्पीसीज फैमिली आंसर आ जाएगा सेकंड थ्री ठीक है तो ध्यान रखना क्या आएगा आंसर सेकंड नेक्स्ट 86 नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन यानी कि ये जो प्राकृतिक वर्गीकरण की पद्धति है ये किस पर आधारित होती है तो अगर हम प्राकृतिक वर्गीकरण की पद्धति में देखें तो इसमें फाइटोकेमिस्ट्री यानी कि पादप रसायन की आवश्यकता होती है एम्ब्रियोलॉजी यानी कि भ्रूण विज्ञान एनाटॉमी इस पर भी आधारित है शारीरिक पर मोरफोलॉजी यानी कि आकारिकी और लेकिन ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर आधारित नहीं होती है क्योंकि ये जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में यूज किया जाता है तो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल एक्सेप्ट ई ई को छोड़कर सभी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए अप्लाई होते हैं नेक्स्ट 87 ठीक एट्टी सेवन देखिए विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद डी टू किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि इनमें से कौन सा दो जगत वर्गीकरण की कमियों से संबंधित नहीं है पहला देखिए इट डिड नॉट डिफ्रेंसिएट फोटो सिंथेटिक ग्रीन एलिग एंड नॉन फोटो सिंथेटिक फंजाई ये रिलेटेड है ठीक है दूसरा इट डिड नॉट डिफ्रेंसिएट यूनिलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेज ये भी इससे रिलेटेड है तो आप कह सकते हो कि प्रकाश संश्लेषी हरे सहवाल तथा अप्रकाश <coughs> संश्लेषी कवकों के मध्य विभेदन नहीं करना ये एक कमी थी एक कोश की तथा बहु कोश की जीवों के बीच में विभेदन ना करना यह भी दो किंगडम क्लासिफिकेशन की कमी थी इट डिड नॉट डिस्टिंग्विश यू कैरियोट एंड यू कैरियर प्रो कैरियो एंड यू कैरियो यह यूकैरियोट तथा प्रोकैरियोटिक के मध्य विभेदन नहीं करता यह भी कमी थी इट डिवाइड एनिमल इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रजेंस ऑफ ऑफ आरबीसी यह किसी टाइप से इससे रिलेटेड नहीं है ठीक है तो ध्यान रखना यह इसकी कमी से रिलेटेड स्टेटमेंट नहीं दे रखा है अलग स्टेटमेंट है तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा फोर नेक्स्ट एटी तो देखिए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोलॉजिकल म्यूजियम यानी कि जैविक संग्रहालय के संदर्भ में निम्नलिखित जो कथन दे रखे हैं, उसमें से आपको चूज करना है कौन से करेक्ट नहीं है प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन आर प्रिजर्व फॉर स्टडी एंड रेफरेंस बिल्कुल राइट है यहां अगर म्यूजियम की बात करें इसमें प्लांट और एनिमल दोनों को ही हम क्या करते हैं यहां पर प्रिजर्व करते हैं तो ये सही है जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक कॉलेज एंड स्कूल बिल्कुल राइट है सामान्यतः शैक्षणिक संस्थानों जैसे कॉलेज तथा विद्यालय में स्थापित किए जाते हैं बिल्कुल राइट है ऑनली डेड बॉडी ऑफ एनिमल आर प्रिजर्व रॉन्ग है केवल जंतुओं के मृत शरीर को परिरक्षित किया जाता है ये गलत है क्योंकि यहां अगर हम देखें एनिमल के साथ साथ प्लांट को भी प्रिजर्व किया जाता है डेड कंडीशन में तो ये रॉन्ग हो गया नेक्स्ट देखते हैं स्केलेटन ऑफ मैमल्स आर नॉट अलाउड टू बी कैप्ट इन म्यूजियम गलत है क्योंकि आपने क्लियर पढ़ रखा है एनसीईआरटी ने दे रखा है कि म्यूजियम के अंदर हम स्केलेटन सिस्टम को भी क्या करते हैं वहां प्रिजर्व करते हैं नेक्स्ट इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेस बिफोर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग ध्यान रखना बिफोर बोला है यानी कि इंसेक्ट बॉक्स में रखने से पहले इसको हम क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं सॉरी इंसेक्ट बॉक्सेस बिफोर कलेक्टिंग इसका कहना यह है कि इंसेक्ट बॉक्स में कलेक्ट करने से पहले हम रखते हैं ये रॉन्ग हो गया क्योंकि पहले हम कलेक्ट करेंगे किल करेंगे फिर उसको इंसेक्ट बॉक्स में रखते हैं तो ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट तो इस हिसाब से अगर हम देखें जो स्टेटमेंट रॉन्ग है वो कौन कौन से हो गए थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ यानी कि आंसर आएगा हमारा थर्ड नेक्स्ट 89 89 देखिए इन टैक्सोनॉमिकल स्टडी ओनली स्पेसी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रिजर्व रॉन्ग है स्पेसी के साथ साथ हमें इंफॉर्मेशन को भी क्या करना पड़ता है प्रिजर्व करना पड़ता है तो ध्यान रखना जीवों के प्रादर्श के साथ साथ हमें किसका उससे संबंधित सूचनाओं को भी संग्रहित करना पड़ता है ये ये रॉन्ग हो गया एंड इंफॉर्मेशन आर ये राइट है प्रादर्श और सूचनाओं को परिरक्षित किया जाता है ओनली डेड आर डेडर्व इन टोन रॉन्ग है स्पेसिमेंस आर नॉट यूज फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टेमेटिक्स ये भी रॉन्ग है यानी कि मृत जीवों को ऐसी टोन में परिरक्षित करते हैं वर्ग अध्ययन के लिए गलत है केवल लिख रखा है केवल मृत जीवों को गलत है प्रादर्शों का उपयोग सिस्टमेटिक्स में प्रशिक्षण के लिए नहीं किया जाता यह गलत है आंसर आएगा हमारा सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन 90 विच टैक्सोनॉमिक एड सर्वे क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडी यानी कि टैक्सोनॉमिकल स्टडी में कौन क्विक रेफरेंस के रूप फॉर्म में फंक्शन करता है तो कौन सी वर्ग की सहायक तत्काल संदर्भ स्रोत के रूप में काम करती है तो आप क्लियर एनसीईआरटी पढ़ोगे वहां लिख रखा होगा हर वेरियम क्विक रेफरेंस सिस्टम के फॉर्म में यूज में आती है तो आंसर क्या आ गया हमारा फर्स्ट नेक्स्ट नाइनटी द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम शो तो जब आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो ये किस टाइप का अरेंजमेंट शो so करेगा तो देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर शो करता है तो जब आप क्लियर एनसीआरटी देखोगे स्पीसीज से जीनस की तरफ या सॉरी स्पीसी से किंगडम की तरफ जब आप जाएंगे तो यहां पर किस टाइप का ऑर्डर शो so होगा असेंडिंग ऑर्डर तो ध्यान रखना इसको हम क्या बोलते हैं आरोही आंसर आ गया सेकंड 92 एनिमल मैमल्स एंड डॉग रिप्रेजेंट तो ये एनिमल्स मैमल्स एंड डॉग यानी कि जंतु स्तनधारी और कुत्ते प्रदर्शित करते हैं तो ये तीनों ही अलग अलग आप कह सकते हो कैटेगरी है और इनके लेवल भी कैसे हैं अलग अलग है यानी कि आंसर आएगा टेक्सा एट Different levels. Clear में लिख रखा है विभिन्न स्तरों पर को ये सो करेगा आंसर आएगा second. Next हम देखते हैं 93. तो देखिए यानी कि कौन सा एक डाईटोमेस अर्थ का फीचर या लक्षण नहीं है पहला देखिए ग्रिटी ये इसका कैरेक्टर है कड़मा प्रकृति यूज इन पॉलिशिंग ये भी इसका कैरेक्टर होता है यानी कि पॉलिश करने में इसका उपयोग किया जाता है यूज इन फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सीरप ये भी इसका कैरेक्टर होता है यानी कि तेलों और सीरप के निःसंद में इसका उपयोग किया जाता है लेकिन बायोगैस के प्रोडक्शन में डाई एटोमेसियस अर्थ का यूज नहीं किया जाता तो आंसर क्या जाएगा हमारा फोर नेक्स्ट यहां हम देखते हैं 94 तो देखिए इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम नॉन सेल्युलोजिक सेल वॉल इज प्रेजेंट विच इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड एंड एमिनो एसिड जब आप फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के कैरेक्टर या टेबल को देखोगे तो क्लियर वहां बता रखा होगा मोनेरा किंगडम के अंदर कि ये जो मोनेरा में सेल वॉल होती है वो नॉन सेल्युलोजिक होती है एंड किसकी बनी होगी पॉलीसेक्राइड एंड एमिनो एसिड की बनी होती है तो ध्यान रखना ये जो पॉलीसेकेराइड और अमीनो अम्ल की बनी नॉन सेल्यूलोजिक कोशिका भित्ती किसमें पाई जाती है मोनेरा के अंदर तो आंसर क्या जाएगा हमारा वन नेक्स्ट यहां हम डिस्कस करते हैं नाइनटी फाइव तो देखिए हु पायोनियर द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज आप क्लियर एनसीईआरटी में शुरुआत में एक साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसको आप अगर देखें तो वो अर्नेस्ट मेयर का यहां पर आ, अर्नेस्ट मियर के बारे में दे रखा है और इसी में लिख रखा है कि इन्होंने ही बायोलॉजिकल स्पीसीज यानी कि स्पीसीज की एक, एक एक्चुअल डेफिनेशन दी थी तो आंसर क्या आ जाएगा अर्नेस्ट मेयर सेकंड नेक्स्ट देखिए 96 सिस्टेमेटिक्स वर्ड नॉट ड्राइव फ्रॉम लेटिन वर्ड ये रॉन्ग है क्योंकि ये जो सिस्टेमेटिक्स शब्द है ये लेटिन शब्द से व्युत्पन्न नहीं है जबकि ये गलत दे रखा है व्युत्पन्न होता है टेक्स अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गनिज्म ये राइट है क्योंकि अगर हम सिस्टेमेटिक्स को देखें इसमें टेक्सोनॉमी के साथ साथ यहाँ पर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम काउंट करते हैं तो ध्यान रखना जीवों के मध्य उद्विकासीय उद संबंधों का सिस्टमेटिक्स में ध्यान रखा जाता है टर्म इज नॉट ड्राइव फ्रॉम सिस्टेमा गलत है सिस्टेमा से ही सिस्टमेटिक टर्म बना है नॉट इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन रॉन्ग है ये इसमें इंक्लूड होते हैं तो ध्यान रखना ये इसके लिए रॉन्ग है ये भी इसके लिए रॉन्ग होगा केवल आंसर क्या आएगा इसमें ओनली सेकेंड नेक्स्ट नाइनटी सेवन तो देखिए एंडोस्पोर आर फॉर्म इन विच ऑफ बैक्टीरिया अंत बीजाणु किस जीवाणुओं में निर्मित होते हैं तो इसमें आंसर आता है बेसिलस तो अगर आप गौर से देखें जो एनसीआर में डायवर्सिटी में मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर दे रखे हैं उसमें बेसिलस के अंदर स्पोर बता रखे हैं तो ध्यान रखना वो किस टाइप के हैं एंडो स्पोर बता रखे हैं आंसर आएगा फोर नेक्स्ट फॉलोइंग बैक्टीरिया हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिय लाइक एन पी एस निम्न में से से कौन जीवाणु पोषकों जैसे एनपीएस के पुनर्चक्रण में सहायता करते हैं क्लियर एनसीआर में लिख रखा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया डिफरेंट इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं और न्यूट्रिय साइकिलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं आंसर आ जाएगा सेकेंड नेक्स्ट नाइनटी नाइन इन वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड कोड्स आर कोड्साइन टू ऑल कैरेक्टर्स विच द यूज कंप्यूटर्स ठीक है विद द यूज ऑफ कंप्यूटर यानी कि निम्नलिखित में से एक में कंप्यूटर की सहायता से सभी लक्षणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया जाता है तो वो कौन सी मेथड है तो ध्यान रखना इसमें आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी आंसर आएगा थर्ड एनसीआर बेस्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट हम बात करते हैं हंड्रेड साइंटिस्ट हु अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफाई प्लांट इनटू टू हर्ब श्रब एंड ट्री यानी कि कौन से वैज्ञानिक ने जो पादप थे उनको वृक्ष झाड़ी तथा शाक में वर्गीकृत किया था सेकंड चैप्टर में जब आप देखोगे क्लियर दे रखा है कि ये काम किया था अरस्तु ने और अरस्तु ने सिंपल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी कि सरल आकार लक्षणों के आधार पर जो प्लांट्स थे उनको हर्ब हर्ब्रव एंड ट्री में क्लासिफाई किया था तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा फोर ठीक है तो ये डीटीएस में बॉटनी का यहां हमने पूरा सॉल्यूशन देखा आई होप आपने बहुत अच्छा किया होगा थैंक यू नमस्कार जे सी मैं ओम प्रकाश रंज फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री टीम सीएलसी सीकर से तो देखो बच्चों जिस चीज का आपको इंतजार था वो आज स्टार्ट हो रही है उसका नाम है बायोकेम डीटीएस DTS first है जो मोल कंसेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन का आपने पेपर दिया होगा नो डाउट आपका पेपर काफी अच्छा होगा क्योंकि जो पेपर बनाया गया है वो हम लोगों ने पूरा बेस और लास्ट टेन नीट जो और के जो में आए हैं उसके पे पूरा डिजाइन किया गया है, ठीक है तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो क्वेश्चन ऑफ फ्लोराडाइन इन फोर पॉइंट टू ग्राम ऑफ एल एफ थ्री यानी 4.2 ग्राम एल में आपको फ्लोराइडाइन कैलकुलेट करने हो रहा है तो सबसे पहले इसका मोलर मास कैलकुलेट एट्टी फोर ग्राम पर मोल आएगा ठीक है अब आपको कैलकुलेट करना नंबर ऑफ फ्लोराइडाइन और नंबर ऑफ फ्लोराडाइन आप कैसे कैलकुलेट करोगी जो भी आयन आपको कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ फ्लोराडाइन इज टू उसके आयंस कितने होंगे थ्री इंटू मोल इंटू एन ठीक है तो सबसे पहले मैं मोल कैलकुलेट करता हूं तो इसमें मोल कितने आएंगे तो मोल इक्वल टू क्या होगा मास अपॉन मोलर मास मास कितना 4.2 और इसका मोलर मास कितना है 84 इसको आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन 20 तो मोल आपके पास 1.20 आ गई आपसे सिर्फ फ्लोराइड आयन पूछे तो इसमें फ्लोराइड आयन कितने होंगे टोटल आयन तो इसमें फोर होंगे लेकिन फ्लोराइड आयन कितने होंगे थ्री तो नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन इक्वल टू होगा थ्री 3 मोल कितने 1/20 NA 6.023 10 की पावर 23 अब देखो आप एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दो तो यहां पे आएगा 10 की पावर 20 टू थ्री का सिक्स में ऑलमोस्ट कितने टाइम्स थ्री टाइम्स जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ऑलमोस्ट नाइन इंटू टेन की पार्टर ट्वेंटी तो कौन सा ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ दिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स यानी नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा किसके अंदर है पहला ऑप्शन है वन वन सिक्स ग्राम ऑफ ब्यूटेन 28 ग्राम नाइट्रोजन 54 ग्राम सिल्वर और 18 ग्राम ऑफ वाटर तो देखो फंडामेंटल पार्टिकल से लास्ट के दो तीन साल में काफी क्वेश्चन आ रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मास ये सब चीजें और तो इसके अंदर आपको नंबर ऑफ एटम्स आपको अगर निकालने तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू एटम इंटू मॉल एन से तो मल्टीप्लाई करना नहीं है वो तो सब में करना पड़ेगा और सिंपल सी बात है एटम और मोल आपको कैलकुलेट करने तो सबसे पहले आप वन वन सिक्स ग्राम ब्यूटेन के अंदर मोल कितने होंगे वन वन सिक्स अपोन इसका मोलर मास कितना होता है फिफ्टी एट होता है ठीक है ना तो ये कितने टाइम्स जाएगा टू टाइम जाएगा और।, और, इसके अंदर एटम कितने होंगे इसके अंदर एटम हो जाएंगे तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू कितना होगा

उसमें मोल तो आ गया वन और एटम कितने है? टू इन टू एन तो ये कितना जाएगा? आ जाएगा टू एन आ जाएगा ठीक है ना सेकंड वाले में टू एन थर्ड में देखो 54 ग्राम ऑफ सिल्वर सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है वन एट तो इसमें मोल कितना आएगा आपके पास 54 54 फिफ्टी, फिफ्टी अपॉन वन एट मोल आएगा आपके पास वन बाई टू और सिल्वर का यहाँ पे एक एटम है तो थर्ड ऑप्शन में जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे

ठीक है तो देखो नंबर ऑफ आइटम सबसे ज्यादा किसमें फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट है इसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे सबसे ज्यादा आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर ये क्या है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है और इसकी स्ट्रक्चर आपने देखी होगी इसमें क्लोरीन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है सी ए सी एल माइनस वन और सीएल माइनस वन इसमें ये ब्रेक डाउन होता है यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा माइनस वन होगा और यहां पे क्लोरीन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो ऑक्सीजन का कितना होगा माइनस टू प्लस क्लोरीन का एक्स ज्यूम कर लेते हैं इक्वल टू चार्ज कितना आएगा माइनस वन तो एक्स बराबर क्या माइनस वन प्लस टू आएगा प्लस का वन आएगा तो यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन और यहां पे माइनस वन तो कौन सा ऑप्शन सही है फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट प्लस वन एंड माइनस वन सिंस इट कंटेन सी एल माइनस एंड सी एल माइनस है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग कौन सा स्टेटमेंट है वो क्या रॉन्ग है तो इसके अंदर अपन देखते हैं पहला ऑप्शन पढ़ो आप ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन परऑक्साइड प्रोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस वन है ये बिल्कुल गलत है और प्रोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक प्लस वन नहीं होगा क्या होगा माइनस वन होगा जैसे आपने एग्जांपल पढ़ा होगा हाइड्रोजन प्रोक्साइड एच टू ओ टू तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या होगा ओ टू माइनस टू तो यहाँ पे टू एक्स इक्वल क्या आएगा माइनस का वन आएगा तो यहाँ पे जो प्रोक्साइड है पे का ऑक्सीजन नंबर क्या होगा होगा जबकि पहले में क्या दे रखा है प्लस वन जो बिल्कुल गलत है तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा गया? प्र प्र लेते। इन गया। हो गया टू और ओ एफ टू में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा प्लस टू होगा ठीक है ना ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन इज वन बाई टू इन सुपरऑक्साइड सुपरऑक्साइड का मतलब क्या होगा ओ टू माइनस वन

उसके अंदर आपको क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको मैच करना है आपको तो देखो पहले न3, इसके अंदर आप देखोगे तो यहां पे नाइट्रोजन है है ठीक ना तो यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया थ्री एक्स इजल टू माइनस वन एक्स इक्वल टू क्या हो गया माइनस का वन बाई थ्री तो ए के अंदर जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ जाएगा आपका माइनस का वन बाई थ्री आएगा और सेकेंड है एन टू एच इसके अंदर नाइट्रोजन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो 2x एक्स प्लस टू इजक्वल टू जीरो तो एक्स इजक्वल टू क्या हो गया माइनस का वन तो जो सेकेंड है फर्स्ट में तो क्या आया ए में आ गया आपका थर्ड है बी में आ गया फोर्थ एनओ एनओ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा प्लस टू तो सी में आ गया सेकेंड और लास्ट एन टू माइनस का टेन इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया प्लस का फाइव इसके अंदर क्या हो गया प्लस का फाइव तो ए में है थर्ड बी में है फोर्थ ए में थर्ड बी में फोर्थ सी में सेकंड और डी में क्या है डी में फर्स्ट है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है सिंपल बेसिक क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है और आपसे पूछ रखा है

कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी इलेमेंट का रिडक्शन होता है, ऐसी को आप क्या अभिक्रिया तो वेर वेर है यहां से नीट का क्वेश्चन कई बार आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ तो क्वेश्चन नंबर है सेवन विच ऑफ इलस्ट्रेट द लाव ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लाव ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है एक एलिमेंट होता है दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है तो जो उसके साथ ऐड होने वाला एलिमेंट है वो एक रेशियो में अगर प्रेजेंट है तो उसे आप क्या कहोगे लॉ ऑफ मल्टीपल में अलग अलग एलिमेंट के साथ एलिमेंट है जो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है वो एक रेशियो के अंदर है, है देखो लेड ऑक्साइड पीबीओ टू यहां पर टू होगा इसके साथ जो कनेक्टेड एटम्स हैं, ऑक्सीजन वो एक रेशियो के अंदर है इट ये कौन से रूल को फॉलो करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑनलाइसिस ये कार्बन तो आपको कितना देर का है फिफ्टी परसेंट और

मोलर मास से डिवाइड करोगे आप तो ये कितना आएगा 54.2 अपॉन 12 है और ये 9.2 अपॉन 1 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 9.2 आ जाएगी और ये 36.6 अपॉन 16 तो इसको करोगे तो 2.28 के अराउंड आएगी इसकी वैल्यू आएगी 4.51 तो इसमें जो सिंपलेस्ट रेशियो आया है उससे सबको डिवाइड करेंगे तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वन आएगी और इसको इससे डिवाइड करोगे नाइन पॉइंट टू अपॉन टू पॉइंट टू एट ये तो अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी फोर टाइम्स आएगी और इसको आप टू पॉइंट टू एट से डिवाइड करोगे तो फाइव फोर पॉइंट फाइव वन अपॉन टू पॉइंट टू एट तो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगी टू आएगी तो कार्बन की कितने एटम है टू हाइड्रोजन के फोर ऑक्सीजन का वन तो इसका एम्पेरिकल जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा सी टू एच फोर ओ वन तो देखो आपको कौन सा ऑप्शन दे रखे है सी टू एच फोर ओ वन यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज

ठीक है तो equivalent weight equal to क्या होगा equivalent weight equal to होगा कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है ट्वेल्व ट्वेल्व अपॉन टू कितना जाएगा सिक्स आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन क्या है क्वेश्चन नंबर टेन में देखो आप विच ऑफ द फॉलोइंगज निम्न में से कौन सा अधिकतम द्रव्यमान रखता है ठीक है तो पहला ऑप्शन पढ़ो आप 0.1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन ग्राम एटम मोल कार्बन करना आपको तो 0.1 मोल तो तो सेकेंड है जीरो पॉइंट वन मोल ऑफ अमोनिया का मोलर मास कितना होता है अमोनिया का मोलर मास होता है सेवनटीन तो जीरो पॉइंट वन इंटू सेवनटीन कितना आएगा 1.7 ग्राम ये सेकंड का आ गया थर्ड है 6.02 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन देयर का इट मींस ये गैस है H2 है ठीक है ना तो यहाँ पे मोल क्या आएगा आपके पास 6.0 10 की पावर 23 10 की पावर 22 वो नीचे क्या पुट करोगे 6.02 10 की पावर 20 3 ये इससे क्या हो गया कैंसिल आउट 10 की पावर 22 नीचे 10 की पावर 23 तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 10 आ जाएगा तो यहाँ पे मोल कितने आएंगे 1 अपॉन 10 और हाइड्रोजन तो इसका मास कितना होगा 1 अपॉन 10 into 2 तो ये 0.2 ग्राम आ जाएगा इसका मास फोर्थ है 1120 सीसी ऑफ CO2 एट एसटीपी एसटीपी पे आपको मोल दे रखा है मोल वॉल्यूम दे रखा है तो मोल कैसे कैलकुलेट करोगे उसके अंदर उसके पर वॉल्यूम कितना लीटर से आपको डिवाइड करना तो यहाँ पे मोल कितना आएगा ठीक है 1, 1, 2, 224, ना तो ये इसमें ट्वेंटी टाइम्स आएगा ये आपके पास मोल आ गए और इसका मास आपको निकालना है तो वन पॉइंट ट्वेंटी अपॉन फोर्टी फोर तो ये कितना आ जाएगा आपके पास टू पॉइंट टू ग्राम आ जाएगा तो सबसे मैक्सिमम मास किसके अंदर आ रहा है सबसे ज्यादा मैक्सिमम मास आ रहा है फोर्थ ऑप्शन में हो तो रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन है इन विच ऑफ दिएक्शन इज देयर ए चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम यानी कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से ऐसी कौन सी अभिक्रिया जो नाइट्रोजन की परमाणु की ऑक्सीडन अंक में परिवर्तित हो रही है तो देखो पहला ऑप्शन नया नाइट्रोजन का प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पे नाइट्रोजन का भी प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट है सेकंड में नाइट्रोजन का क्या है, क्या है? प्लस, four, प्लस का है यहां पे नाइट्रोजन का क्या है यहां पे नाइट्रोजन का प्लस थ्री है यहां पे नाइट्रोजन का प्लस फाइव है ठीक है तो यहां पर देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है प्लस फोर से प्लस थ्री यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कौन सा सेकेंड ऑप्शन ऐसा है जहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है इसमें देखो अमोनियम में नाइट्रोजन का -3 और अमोनियम प्लस में भी -3 यहाँ पे प्लस +5 होगा और इसमें भी क्या होगा +5 होगा तो सेकेंड ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है, है जहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है चेंज हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मैथेन ये मैथेन है और मैथेन में परसेंटेज बाय मास नहीं पूछा है इसके अंदर परसेंटेज बाय मोल पूछा है तो इसके अंदर कार्बन का कितना मोल होगा कार्बन के मोल होगा इसके अंदर वन और हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे इसके अंदर फोर तो मोल परसेंटेज क्या होगा और तो मोल परसेंटेज आप कार्बन का निकालोगे तो कार्बन के मोल कितना है वन और टोटल मोल कितना है कार्बन प्लस हाइड्रोजन तो, तो टोटल हो गया फाइव इंटू हंड्रेड तो ये कितना आएगा ट्वेंटी परसेंट आएगा तो कौन सा ऑप्शन सही है थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मलिटी ऑफ जीरो पॉइंट थ्री एम फोर्स पोरस एसिडोर बस इसके अंदर काम की चीज क्या है एसिड का केमिकल फॉर्मूला मैंने आपको नहीं दिया तो आपको उसको केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए तो वी नो दैट नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है नॉर्मलिटी इक्वल टू हैिटी इनटू एन फैक्टर इनटू एन फैक्टर ठीक है अब आपसे पूछा है एस फोर्स एसिड और इसका फॉर्मूला क्या होता है एस थ्री पी ओ थ्री और इसका एन फैक्टर कितना होता है

िटी आपको गिवन है तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो गया जीरो पॉइंट थ्री इंटू टू कितना गया जीरो पॉइंट सिक्स तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है उसके अंदर देखो क्या है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन गिवन कंपाउंड जो गिवन कंपाउंड आपको दे रखे हैं उसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको निकालना है घटता हुआ क्रम क्या होगा तो पहला है के टू एम एन फोर तो के टू एम एन ओ फोर इसके अंदर आपको मैंगनीसडेशन निकालना है तो पोटेशियम का क्या होगा एक का प्लस वन पोटेशियम कितने दो मैंगनीज का मैं एक्स्यूम कर लेता हूं माइनस का ऑक्सीजन का जनरली अपने को क्या लेना माइनस टू इन फोर माइनस का एट बराबर जीरो तो की है आपके पास? प्लस का सिक्स आगे सेकेंड है एम एन टू ओ फाइव

जीरो तो एक्स इक्वल टू प्लस फोर तो फोर्थ में क्या है? प्लस फोर है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है सबसे ज्यादा है थर्ड की उसके बाद में किसकी है फर्स्ट की सेकंड की सेकंड और लास्ट में है फोर्थ की तो थर्ड है फर्स्ट है सेकंड है और फोर्थ है कौन सा ऑप्शन सही होगा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन

Y की क्या है प्लस फाइव प्लस फाइव जेड का है माइनस टू तो माइनस टू इंटू सिक्स माइनस का ट्वेल्व है तो ये कभी जीरो माइनस थ्री के नहीं आएगा ये के में चेक करता हूं एक्स कितना है प्लस टू वाई है प्लस फाइव इंटू वाई के कितने में टू तो टू इंटू फाइव जेड कितना है माइनस टू इंटू सिक्स तो माइनस टू इंटू सिक्स इन सबको आप एड करोगे तो ट्वेल्व है

नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दॉटाम्पल ऑफ रेडॉक्स रेडोक्स रियक्शन से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है तो पहले में देखो कॉपर पे चार्ज क्या आएगा प्लस टू यहां पे कॉपर पे क्या है जीरो और हाइड्रोजन का क्या है जीरो और यहां पे हाइड्रोजन का क्या है प्लस वन कॉपर क्या कर रहा है ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन एड हो रही है तो इसमें तो क्या होगा ऑक्सीडेशन और कॉपर का क्या होगा रिडक्शन तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है आपसे पूछा एग्जाम्पल नहीं है सेकेंड यहाँ पे प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस थ्री स्टेट. पे जीरो तो ये क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है और सीओ यानी कि प्लस टू से किस में जा रहा है प्लस फोर में जा रहा है तो यहां पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है <coughs> पे जीरो है यहाँ पे जीरो है के एफ में पोटेशियम पे प्लस वन आएगा फ्लोरिन पे माइनस वन आएगा तो जीरो ऑक्सीडेशन हो रहा है से माइनस रिडक्शन हो रहा है ये भी रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है तीनों रेडॉक्स रिएक्शन के है तो फोर्थ पे अपने आप ही क्लिक कर दो आप हो रहे या तो गलत होगा क्वेश्चन या बोनस होगा जो भी है तो यहाँ पे अपन इसको सोल्व कर लेते हैं ये आपको एग्जाम में करना है यहाँ पे बेरियम पे प्लस टू चार्ज है यहाँ भी बेरियम पे प्लस टू चार्ज क्लोरिन पे माइनस वन है यहाँ भी क्लोरिन पे माइनस वन है सल्फेट पे इधर भी माइनस टू इधर भी माइनस टू हाइड्रोजन पे इधर प्लस वन और इधर भी प्लस वन तो कहने का मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है क्योंकि ना तो ये किस टाइप की रिएक्शन है फिर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन को बैलेंस करना ये भी कई बार नेट में क्वेश्चन आ चुका है ये आपको एक रेडॉक्स रिएक्शन दे रखी है इसको आपको क्या करना है बैलेंस करना है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन तो यहां पे जो नाइट्रेट आयन है एनओ थ्री वो किस में जा रहा है

कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे ये इक्वेशन होगी सेकंड अब आपको इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करना है तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन सेकंड को थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको मल्टीप्लाई करूंगा टू से फिर एड करना मुझे और इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई करना है थ्री <laughs> से तो इसको टू से मल्टीप्लाई करोगे तो टू एन ओ थ्री माइनस वन प्लस का सिक्स इलेक्ट्रॉन इधर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है थ्री से तो थ्री इन टू कितना हो गया सिक्स आई माइनस अभी देखो आप इसको किससे करना था टू से तो टू एन ओ प्लस इसको किससे थ्री से तो थ्री आई टूर प्लस कितने इलेक्ट्रॉन सिक्स इलेक्ट्रॉन सिक्स से सिक्स क्या हो गया कैंसल आउट हो गया

टू एन ओ प्लस थ्री आई टू और यहाँ पे एच टू के 4 फोर मोलिकूल ऑक्सीजन बैलेंस होगी हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जितना हाइड्रोजन डिफिशियंट है वहां पे एच प्लस एन आप ऐड कर दो। तो ये देखो इस साइड पूरी रिएक्शन मैच हो रही है अब x की वैल्यू क्या होगी x की वैल्यू होगी यहाँ पे टू y की वैल्यू क्या होगी y की वैल्यू होगी सिक्स और जेड की वैल्यू क्या होगी जेड की वैल्यू होगी एट ओके इटमीन्स कौन सा ऑप्शन सी होगा टू सिक्स एट फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन ऑप्टेनिंग बाई मिक्सिंग ऑफ टू हंड्रेड एम एल यानी कि टू एम टू फिफ्टी एम एल HCl में आपको क्या ऐड करना है 0.5 M 0.750 mL HCl इनको मिक्स करने के बाद में जो फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी है वो आपको देखनी है तो MR फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी आप क्या करोगे M1V1 M2V2 प्लस प्लस साइन इसलिए लगाया है कि दोनों सेम नेचर के हैं ये भी एसिड है और HCl भी एसिड है तो सेम नेचर में हमेशा क्या लगाओगे पॉजिटिव साइन अपॉन वी वन प्लस वी टू तो टू इंटू टू फिफ्टी प्लस पॉइंट फाइव इंटू सेवन फिफ्टी अपॉन नीचे कितना आएगा टू फिफ्टी प्लस सेवन फिफ्टी आ जाएगा तो ये आएगा फाइव हंड्रेड प्लस थ्री सेवेंटी फाइव अपॉन कितना जाएगा थाउजेंड आएगा एट सेवेंटी फाइव अपॉन थाउजेंड या पॉइंट एट सेवन फाइव यह आपके पास फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी आ जाएगी इट मीन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द नंबर ऑफ मोल ऑफ केमन फोर दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ वन मोल ऑफ फेरस ऑक्जिलेट तो फेरस ऑक्जिलेट क्या होगा Fe ई सी टू ओ इसका आपको कितना मोल गिवन है इसका वन मोल आपको गिवन है और है। और एसिडिक मीडियम में जो केमनो फोर है केमनो फोर को मैं लिख सकता हूं एम एन ओ फोर ये तो किस में जाएगा एम एन प्लस में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये इनको क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा यहां पे इसकी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है

प्लस फोर में जा रहे हैं। एक कार्बन आइटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है लेकिन आपको हमेशा जो ट्रांस इलेक्ट्रॉन देखते हुए तो कार्बन के, के लिए एक इलेक्ट्रॉन का चेंज और दो कार्बन के लिए दो इलेक्ट्रॉन का चेंज तो ओवरऑल एन फैक्टर आपके पास कितना आ गया इसका थ्री और पर जा रहे हो प्लस टू में इसका एन फैक्टर कितना फाइव तो दोनों के ग्राम इक्ट इक्वल कर दो तो ग्राम इक्ट ग्राम इक्वेंट ऑफ एम एन ओ फोर माइनस वन इक्वल टू ग्राम इक्वेंट ऑफ एफ सी टू ओ फोर इसका मोल आपको कैलकुलेट करना पूछा क्या है फोर के आवश्यक मोलों की संख्या पूछे और ग्राम इक्वेंट इक्वल टू क्या होता है मोल इंटू एन फैक्टर तो मोल इंटू इसका एन फैक्टर कितना हो गया फाइव और इसके मोल आपको दे रखे कितना है वन मोल दे रखा है तो वन इंटू इसका एन फैक्टर कितना हो गया थ्री तो इसके मोल आपको कितने रिक्वायर्ड होंगे थ्री अपॉन फाइव तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखो आप ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन में क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ऑक्सीडाइज बाई ओजोन ओजोन क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो देखो ऑक्सीडाइजिंग किसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा जो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में या इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में उनको ये ऑक्सीडाइज कर सकता है और ठीक है तो आपको देखना जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन प्रेजेंट है तो यहां पे देखो आयोड्रीन पे जो चार्ज है वो माइनस वन है ये ओजोन है इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है और उसमें मैंगनीस का प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो मैगनीज अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है और मैंगनीज की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है प्लस सेवन होती है तो ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा और प्लस सेवन से प्लस एट में थोड़ी ले जाएगा और तो केवनो फोर है वो ऑलरेडी क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, है तो इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया सेकेंड हो गया थर्ड देखो मैंगनीज में क्या है प्लस सिक्स है ये इसको प्लस सिक्स से प्लस सेवन में ऑक्सीडाइज कर सकती है यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस टू है

पी के 12 मोल दे रखे हैं और क्यों कि कितने मोल दे रखे हैं फाइव मोल दे रखे हैं ठीक है तो इसके अंदर सबसे पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट का पता करना पड़ेगा तो स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शन क्या बोल रही है पी के 2 मोल से क्योंकि एक मोल रिएक्ट कर रहा है और आर के 3 मोल बन रहे हैं और एस के 4 मोल बन रहे हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट आप कैसे निकालते हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू क्या होता है गिवन मोल अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन मोल अपॉन उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट

और r की कितनी मोल बनेंगे 15 तो ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन है 18 मोल ऑफ r सेकंड है 15 मोल ऑफ r तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया थर्ड है s की 20 मोल s की 20 मोल किसी में नहीं है तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट इज द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ cs4 cs4 के एक मॉलिक्यूलस का मास कितना होता है तो वी नो दैट मास ऑफ एन इसका जो मास, होता है, वो इसकी मोलर मास के बराबर होता है और वो मोलर मास कितना होता है सिक्सटीन ग्राम यानी कि एन ए का मास कितना होता है सिक्सटीन ग्राम होता है तो वन मोलिकूल का मास कितना होता तो मास ऑफ वन मोलिक्यूल टू कितना कितना होगा अपॉन अपॉन एन एन और na की 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 वैल्यू आप करोगे ऊपर जाएगा तो कितना आएगा पावर माइनस का ट्वेंटी थ्री और सिक्सटीन में सिक्स से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा टू पॉइंट सिक्स सेवन तो ये आएगा टू पॉइंट सिक्स सेवन

इनटू कितना जाएगा एटेन ये मोलर मास ऑफ ये इसमें जाएगा फोर टाइम्स जाएगा ठीक है फोर का थाउजेंड में टू फिफ्टी तो टू फिफ्टी अपॉन तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी थर्टीन पॉइंट तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 24 फोर एनऑक्साइड ऑफ सल्फर कंटेन 50% ऑफ सल्फर फॉर्मूला आपसे पूछ रखा है तो सल्फर कितना है ऑक्सीजन ऑक्साइड है उसकी मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो फिफ्टी अपॉन थर्टी टू और ये 50 अपॉन 16 जिसकी वैल्यू मिनिमम आती है उससे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो इसमें मिनिमम वैल्यू किसकी आएगी इसकी आएगी तो खुद का खुद में कितनी बार जाएगा एक बार और इसके अंदर कितना जाएगा 15 अपॉन 16 और नीचे 15 अपॉन 32 तो 15 से 15 कैंसिल आउट 16 का 32 में टू टाइम्स जाएगा तो सल्फर का एक एटम आ जाएगा और ऑक्सीजन के दो एटम आ जाएंगे तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा SO2 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 25 द अमाउंट ऑफ वाटर द अमाउंट ऑफ वाटर द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 286 ग्राम प्रोपेन प्रोपेन C3H8 इसका आपको कंबसन करना है कंबसन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या बनेगा CO2 और H2 रिएक्शन को आपको बैलेंस सबसे पहले करना है बिना बैलेंस रिएक्शन आपके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आएंगे तो इधर कार्बन थ्री है तो इधर भी कितना कर दो 3 हाइड्रोजन कितने एट तो यहां कर दो फोर ऑक्सीजन कितने आएंगे फाइव आएंगे तो अगर एक मोल प्रोपेन का कंबेशन करोगे तो ऑक्सीजन के फाइव मोल की रिक्वायरमेंट होगी और सीओ टू की थ्री मोल बनेंगे और वॉटर के फोर मोल बनेंगे तो आपसे पूछिए कि वॉटर की कितने अमाउंट बनेंगे तो इसके मोल निकाल लेते हैं अपन 286 एटी अपॉन तो इसके मोल जो आएंगे वो कितने आएंगे सिक्स मोल आएंगे और वी नो दैट एक मोल से इसके कितने मोल बन रहे हैं फोर तो इतने मोल से कितने बनेंगे इसके तो इसके मोल ऑफ एच टू कितना जाएगा मोल ऑफ H2 टू इज इक्वल टू फोर इंटू सिक्स तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 26 मोल आ जाएंगे तो वोटर के कितने मोल बनेंगे 26 मोल बनेंगे इसका मास निकालना तो वोटर के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो मास ऑफ एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 सिक्स इंटू तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 468 ग्राम के तो कौन सा ऑप्शन सही होगा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट

रिएक्ट विथ विथ थ्री बाई टू मोल ऑफ थ्री बाई टू मोल ऑफ ओ टू तो वन मोल ऑफ एलियम रिएक्ट विथ रिएक्ट विथ थ्री बाई टू अपॉन टू तो ये कितना आ जाएगा आपके पास थ्री बाई फोर मोल ऑफ

यानी कि ऑक्सीजन के वन बाई फोर मोल के साथ रिएक्ट करेगी तो मास ऑफ ऑक्सीजन तो मास ऑफ ओ टू इज इक्वल टू वन बाई फोर ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो कितना आएगा थर्टी टू ये कितना एट ग्राम ओ टू के साथ रिएक्शन करेगी तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.4 एट लीटर ऑफ CO2 गैस इज ऑप्टेन एट एंटी बाय थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ 25 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि 25 ग्राम इंप्योर कैल्शियम कार्बोनेट है इसका आपको क्या करना है डीकंपोजिशन करना है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस इसमें क्या होगी रिलीज होगी और इसका डीकंपोजिशन करोगे तो 4.48 लीटर आपको CO2 गैस मिलेगी किस पे NTP पे तो इसके मोल निकाल लो आप तो मोल इक्वल टू क्या होगा 4.48 अपॉन 22.4 तो इसकी वैल्यू आएगी 2 अपॉन 10 आएगी यानी 1 अपॉन 5 मोल आपके पास किसके आगे CO2 के आगे तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को डीकंपोज करोगे तो 1 मोल CO2 बनेगी तो मोल ऑफ कैल्सियम कार्बोनेट आपके पास कितना आ जाएगा तो मोल ऑफ कैल्सियम कार्बोनेट आ जाएगा जितने मोल 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 इसके होंगे होंगे उतने के तो तो का का कार्बोनेट भी और कितना ट्वेंटी ग्राम आ जाएगा तो क्या होगी 20 आपने ऑब्टेन किया है सिंपल का मास कितना है ट्वेंटी फाइव इंटू हंड्रेड तो एट्टी परसेंट तो आपके पास क्या आ आ जाएगी जाएगी परसेंटेज यानी कैल्शियम जो इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा एट्टी परसेंट होगा यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी केमिकल रिएक्शन है वो किस रूल के अकॉर्डिंग बैलेंस की जाती है तो वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ इक्वल टू क्या होता है मास ऑफ प्रोडक्ट मास ऑफ रिएक्टेंट इज टू मास ऑफ प्रोडक्ट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का आपने डीकंपोज किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सीओ टू तो रिएक्टेंट का मास कितना है 100 ग्राम उतना ही किसका होना चाहिए प्रोडक्ट का होना चाहिए ये कितना हो गया 56 और ये कितना हो गया 44 तो इन दोनों का मास किसके बराबर होगा 100 ग्राम और 100 ग्राम रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है और रिएक्शन बैलेंस करोगे तभी बराबर होगा नहीं तो बराबर नहीं होगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट 29 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है वॉल्यूम ऑफ N2 रिक्वायर्ड एट STP टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर प्रोसेस हेबर प्रोसेस से अमोनिया गैस बनाई जाती है जिसमें नाइट्रोजन प्लस थ्री हाइड्रोजन से टू अमोनिया का फॉर्मेशन होता है तो मोल ऑफ नाइट्रोजन मोल ऑफ N2 रेशियो मोल ऑफ अमोनिया तो अकॉर्डिंग टू स्टाइकियोमेट्री अगर अपन देखें तो नाइट्रोजन का 1 मोल है

फाइव इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा एक सौ बारह लीटर के बराबर होगा ठीक है यानी थर्टी कंसंट्रेशन टॉम पे काफी क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर तो क्वेश्चन नंबर थर्टी है थ्री पॉइंट जीरो वन इंट टेन की पावर ट्वेंटी टू मोलिकूल ऑफ ए ग्लूकोज आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वॉटर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज वन ग्राम पर ml द मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज और आपको देखो मॉलिक्यूल्स दे रखे तो सबसे पहले आप मोल कैलकुलेट करें तो मोल कितना आएगा 3.01 10 की पावर 22 अपॉन 6.02 10 की पावर 23 तो कितना आएगा यहाँ पे 10 आएगा यानी कि 1/20 मोल आ गया आपके पास आपसे पूछे मोलिटी और मोलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो मोलिटी इक्वल टू क्या आएगा मोल अपॉन मास ऑफ अप सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट तो मोल कितना आएगा यहां पे मोल आएगा वन अपॉन ट्वेंटी और मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट का आपको वॉल्यूम दे रखा है कितना हंड्रेड एम ऑफ वॉटर तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम और वाटर की डेंसिटी कितनी होगी वन ग्राम पर एम एल वोटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? Ml होती है. तो यहाँ पे सोल्यूशन की, की देखर की भी आपको पता होनी चाहिए और मास कितना है आपको कैलकुलेट करना है मास ml. तो, ml से ml हो जाएगा, तो मास कितना जाएगा? आपके पास हंड्रेड ग्राम आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आप कितना पुट करोगे हंड्रेड इन थाउजेंड ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट इससे ये कैंसिल वन बाई टू यानी कि पॉइंट फाइव आपके पास क्या आ जाएगी मोलिटी आ जाएगी तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी वन थर्टी वन के द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टू टाइप ऑफ सल्फर एटम इन सोडियम ट्रेटाथायोनेट देखो आपको इसका केमिकल नेम दे रखा है इसका केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए Na2S4O6 इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी चार सल्फर एटम एक दूसरे से कनेक्टेड है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये इसकी स्ट्रक्चर है ONA और इधर भी ONA ये है सोडियम टेट्राथायोनेट तो इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है तो ऑक्सीजन सल्फर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है डबल बॉन्ड है तो इसमें माइनस टू इस पे प्लस टू इधर भी प्लस टू माइनस टू सिंगल बॉन्ड है तो इसपे माइनस वन इस पे प्लस वन और इस बॉन्ड की वजह से सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आएगा प्लस का फाइव इस पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी भी जीरो होगी और यहाँ भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा प्लस का फाइव हो गया और तो आपको पूछी है सोडियम टेट्रा में दो प्रकार के सल्फर परमाणुओं की ऑक्सीजन संख्या में अंतर होगा तो प्लस फाइव और जीरो ये दो प्रकार के ऑक्सीडेशन सल्फर की दो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस फाइव और जीरो तो इनका डिफरेंस आप निकालोगे तो इनका डिफरेंस कितना आएगा फाइव माइनस जीरो इज टू तो कौन सा ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसमें पूछी जाती एवरेज क्या आप? है, है? वो अगर जाती जाती. तो तो कितने ये by 4 हैं, 5 आ जाती। लेकिन अपने को क्या पूछा है दोनों बीच में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका डिफरेंस उसका डिफरेंस कितना आएगा फाइव तो फर्स्ट ऑप्शन इज Thirty two. एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट जिसमें टू 250 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको क्या दे रखा है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू कितना दे रखा है आपको 250 फिफ्टी मिलीग्राम इसका आप करोगे एस्टिमेशन तो 141 मिलीग्राम क्या मिलेगा आपको एजीबीआर तो मास ऑफ एजीबीआर टू आ गया आपके पास 141 और मोलर मास क्या होगा एजीबीआर का मोलर मास आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 188 108 प्लस 80, यह जाएगा एट वन जीरो आ जाएगा वन परसेंटेज ऑफ तो आपसे पूछा है तो ब्रोमिन आप कैसे निकालोगे एट्टी अपॉन वन एटी एट इंटू मास ऑफ ए जी बी आर मास ऑफ ए जी बी आर अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू हंड्रेड तो यह आ जाएगा एट्टी अपॉन वन एटी एट इंटू वन फोर्टी वन अपॉन टू फिफ्टी ठीक है इन हंड्रेड जब इसको आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी ट्वेंटी फोर तो परसेंट कौन सा ऑप्शन सही होगा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है थर्टी थ्री गिवन दैट एन अबेंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स आयरन के आइसोटॉप्स दे रखे हैं और इनकी अबेंडेंस उपलब्धता कितनी दे रखी है फाइव परसेंट नाइनटी परसेंट और फाइव परसेंट तो उनका एवरेज एटॉमिक मास पूछा है तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा इसका 54 फोर इंटू फाइव जो 54 वाला है वो कितना परसेंट प्रेजेंट है 5 परसेंट है 56 वाला कितना है 90 परसेंट है और 57 वाला कितना प्रेजेंट है 5 परसेंट तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा तो 54 फोर इंटू फाइव फिफ्टी सिक्स इंटू प्लस फिफ्टी सेवन इन टू फाइव और नीचे किससे डिवाइड करोगे आप हंड्रेड से डिवाइड कर करोगे तो, करो तो, तो ये आ जाएगा मास आ जाएगा किसका आयरन का तो कौन सा ऑप्शन सही है सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है. कंसंट्रेशन टर्म इज नॉट टेंपरेचर में change करोगे तो तो वो वो नहीं होगी. तो, के अंदर देखो volume की आती आएगा वो concentration term, temperature से क्या होगी अफेक्टेड होगी नॉर्मलिटी में भी वॉल्यूम आता है फॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम आता है लेकिन मोलिलिटी के अंदर वॉल्यूम नहीं आता है क्योंकि equal to क्या होता है? नंबर ऑफ मोल मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट में के जी के अंदर तो यहां पे कहीं वॉल्यूम नहीं आता है, तो ये कंसेंट्रेशन काम है वो ताप से प्रभावित नहीं होती तो थर्ड ऑप्शन थर्टी फाइव जीरो पॉइंट टू जीरो थ्री थ्री ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ड्यूमा मेथड तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे रखा है 0.2033 ग्राम से 31.7 ml वॉल्यूम आपको दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है 31.7 ml एट 14 डिग्री सेल्सियस एंड 750 mm ऑफ एचजी प्रेशर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड और उस एक्वस टेंशन दे रखा है मोस्ट गैस दे रखी है आपको

अपॉन आर टी इंटू ट्वेंटी एट अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू हंड्रेड तो प्रेसर कितना देर का है थर्टी वन पॉइंट सेवन अपॉन थाउजेंड नीचे आर टी आर की वैल्यू आप क्या करोगे पॉइंट जीरो एट टू वन और टेम्परेचर देखो कितना देर का फोर्टीन डिग्री सेल्सियस उसको कैलविन में कन्वर्ट करो रहे तो 14 प्लस टू तो कितना जाएगा सेवन एट टू टू इसका क्या आ जाएगा कैलविन के अंदर टेम्परेचर आ जाएगा टू अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉइंट टू जीरो क्या कर दोगे 100 जब इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी एटीन आएगी तो कौन सा ऑप्शन सही है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स में क्या है द कंपाउंड दैट कैन नॉट बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट वह यौगिक जो ऑक्सीकारक तथा तो अपचायक दोनों की तरह कार्य नहीं कर रहा है ठीक है अब देखो जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वो हमेशा क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो क्या होता है रेड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होगा रेड्यूसिंग एजेंट होगा और जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वो बोथ बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट की तरह भी करेगा तो देखो नाइट्रोजन है।, है? है, है तो ये बीच में इंटरमीडिएट आ गया ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह कार्य कर रहे हैं एच टू टू में ऑक्सीजन की क्या है माइनस वन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू से प्लस सिक्स के बीच में कुछ भी हो सकती है तो ये भी

तो पहला दे रखी ग्राम और फोर्टी परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एन डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब क्या होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है है तो जो फर्स्ट है, उसके अंदर क्या दे रखा है कि 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है उसके अंदर जो एनएच का मास है वो कितना है फोर्टी ग्राम है तो आपसे पूछे कि फिफ्टी ग्राम में कितना होगा तो फिफ्टी ग्राम सोल्यूशन के अंदर जो एन्यूएच का मास है वो कितना आ जाएगा ट्वेंटी ग्राम आ जाएगा ठीक है तो फर्स्ट के अंदर जो मास आएगा वो कितना आएगा ट्वेंटी तो डब्ल्यू बाई वी का मतलब क्या है हंड्रेड एम एल सोल्यूशन में सोल्यूट का कितना मास है तो इसका मतलब क्या होता है कि हंड्रेड एम एल सोल्यूशन के अंदर हंड्रेड एम एल सोल्यूशन में एन्यूएच का जो मास है वो कितना है

एन एन यू एच है कितने ठीक है तो इसका मास कितना मोल को उसके मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करो फिफ्टीन इंटू सोडियम हाइड्रोक्साइड का फोर्टी तो ये कितना आएगा सिक्स हंड्रेड ग्राम आ जाएगा किसका इसका मास आ जाएगा किसका एन यू एच का डेंसिटी कितनी देर की है Volume कितना है सोल्यूशन का वन लीटर टू थाउजेंड एम एल और डेंसिटी वन ग्राम पैर दे रही है तो थाउजेंड ग्राम हो जाएगा सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा थाउजेंड ग्राम तो देखो थाउजेंड ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मास है एन का वो कितना है सिक्स हंड्रेड ग्राम है तो फिफ्टी ग्राम में कितना होगा फिफ्टी ग्राम में कितना होगा ये आपसे पूछा है तो फिफ्टी ग्राम में कितना होगा सिक्स अपॉन थाउजेंड इंटू फिफ्टी तो देखो तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल आउट हो गया सिक्स इंटू फाइव कितना हो गया थर्टी ग्राम हो जाएगा तो थर्ड में कितना हो जाएगा थर्टी ग्राम हो जाएगा तो मास का आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ज्यादा होगा थर्ड फिर सेकंड, फर्स्ट थर्ड सेकंड और फर्स्ट सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी एट थर्टी एट में क्या अमाउंट ऑफ सुगर ये सुगर का फॉर्मूला होता है required to prepare two liter of its 1M, के दो लीटर की कितनी मात्रा की रिक्वायरमेंट होगी और मात्रा है ग्राम में। तो आपको देखो मोलरिटी गिवन है मोलरिटी कितनी है जीरो पॉइंट वन और वॉल्यूम कितना है इसका टू लीटर आपको दे रखा है तो मोल निकाल सकते हो आप मोल टू क्या होता है मोलियरिटी इंटू वॉल्यूम और मोलरिटी कितनी है जीरो पॉइंट वन इंटू टू तो कितना हो जाएगा 0.2 मोल आपके पास आ गए किसके सरकरा के और इस सरकरा का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 342 ग्राम पर मोल तो आपको मास कैलकुलेट करना है तो मोल को इसके मॉलिक्यूलर मास से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल आपके पास आ गए 0.2 342 तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 684 और 68.4 ग्राम आपके पास क्या जाएगा

तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस बेरियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू क्या होना चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड के इक्वल होना चाहिए अगर इक्वल आ रहे इट मींस वो न्यूट्रलाइज कर रहा है इक्वल नहीं आ रहे इट मींस न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा तो, है तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का n फैक्टर कितना होगा दो हाइड्रोक्साइड आयन है तो इसका n फैक्टर कितना होगा दो तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट मोल आपको वन दे रखा है इनटू 2

फोर्टीन है वो क्या है विचार करना है और आपसे पूछा है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट यानी कि कितने इसके अंदर सही है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन एंड इन एसेट ये बिल्कुल सही है एसेट है ये फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा जीरो और इसकी जो कोवेलेंसी है वो कितनी होगी

जो सी ऑप्शन है वो क्या है एकदम सही है क्वेश्चन नंबर है डी ऑप्शन द रिएक्शन बिटवीन एनयूएच और एच टू एसओ फोर इज रेडॉक्स रिएक्शन एच टू एसओ फोर और एनयूएच की अगर आप रिएक्शन कराओगे एनयूएच प्लस एच टू एसओ फोर तो ये बन जाएगा एन ए टू एसओ फोर ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है नॉट रेडॉक्स रिएक्शन है ठीक है तो डी क्या हो गया गलत हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है

तो एफ थ्री ओ फोर में एक आयरन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और दो आयरन क्या करेंगे, प्लस थ्री स्टेट करेंगे। तो Na2S2O3, तो पहले आप इसका एन फैक्टर निकालो तो फैक्टर क्या होगा यहां पे जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है है वो यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट टू है

तो जो एफ है वो सही है तो सही कितने इसके अंदर यह आपसे पूछा है वन टू और थ्री तो थ्री स्टेटमेंट क्या है सही है तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट